को पावन अपनी हाथी से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण अभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों ज्ञान की गंगा में मिलजुल कर हम सब चुल्लू भर पानी के गोते लगा रहे थे रहने वाले गुणों की सुगंधी भी रहेगा में हमारे मन में भी लालसा खड़ी होगी अपने कल्याण की और हम ठोस रूप में इस लालसा को उत्कंठा में ले जाकर पूरा करना चाहते हैं तो हमारे लिए देवियों सज्जनों अनिवार्य हो जाता है क्या हर कीमत पर इन्हें अपना लेना इन्हें जीवन में ढाल लेना जीवन चौकड़ियां भरता जा रहा है एक एक अनमोल दिन हमारे से आज्ञा लिए बिना दौड़े जा रहा है बहुत अच्छा हो अगर इसका इस रूप में लाभ उठा लिया जाए और तो किसी रूप में लाभ उठाया नहीं जा सकता क्योंकि और किसी रूप में लाभ उठाओगे वो यहीं धरा रह जाएगा यहीं पड़ा रह जाएगा किसी रूप में लाभ उठा लो परमार्थ रूप में उठाएंगे तो वो आपके साथ जाएगा वो आपका परलोक बना देगा वो अंतःकरण को निर्मल कर देगा भगवान के दर्शनों के योग्य बना देगा बाकी कोई लाभ ठोस लाभ नहीं सिर्फ इस लोक तक लाभ है धन कमा लिया इज्जत ले ली या और कोई अपना स्वार्थ पूरा कर लिया बस यहीं तक लेकिन हमारे तो भगवान कहते हैं ऐसा लाभ उठाओ जिससे लोक भी बन जाए परलोक भी बन जाए असली लाभ तो वही लाभ कहा जाता है ये लाभ नहीं जो कुछ दिनों का हो या हमारे इसी शरीर तक लाभ रह जाए हमारा वैदिक धर्म मेरी देवी और सज्जनों उसको लाभ कहता ही नहीं उसको धोखा बोलता है कि ये धोखा हुआ मेरे साथ भगवान से भी प्रार्थना करने के आदत बना लो प्रार्थना कब की जाती है प्रार्थना हम कब करते हैं जब हमारा वश नहीं चलता जहां हमारा वश न चले हमारी बुद्धि न चले हमारा मन न चले हमारा पुरुषार्थ भी वहां न चले फिर हम लाचार हो जाती हैं इंटायरली हेल्पलेस उसके बाद क्या होता है रो पड़ते हम फिर क्या होता है कोई गम गलत हो जाता है कम हो जाता है फिर क्या होता है भगवान से प्रार्थना की जाती है प्रभु से प्रेम पूर्वक प्रार्थना होती है ऐसी मन से निकली प्रार्थना जरूर विश्वास कर लीजिएगा प्रभु स्वीकार भी कर लेते हैं परमात्मा करे आपकी ये आंतरिक भावना कल्याण की मेरे प्रभु पूरी कर दे लगे रहिए इसको तीव्र इच्छा बना लीजिएगा कि मैंने तो अपना कल्याण करना ही है मैंने तो अपना भला करके जाना है सिर्फ खाने पीने और सांसारिक धंधों में नहीं रह जाना इसको जरा और तीव्र कीजिए तीव्र कामना भगवान पूरी किए बिना रह ही नहीं सकते मगर वो जो पूजे बासिद को यकीनी वो मुझमें है मैं हूं ये उनका वचन है कि जो दिलो जान से भगवान के बन जाते हैं भगवान भी तो दयालु कृपालु है और सुनाई हो जाती है उनकी जो उनके बिना रह नहीं सकते
जिनमें मैंने कहा लालसा लालसा न रहे, उत्कंठा हो जाए। उत्कंठा क्या होती है? बर्निंग डिजायर, जो सार दे हमारे अंदर को, हम तिल मिला उठे, हमारे में बेचैनी हो जाए। हाय, संसार की बेचैनी कुछ और होती है, भगवान की बेचैनी में रस है, आनंद है, खुशी है। संसार के रोने में कुछ और बात है, भगवान के रोने में रस ही रस है। बल्कि मैं एक शब्द स्पष्ट कहता हूं, भगवान की हर क्रिया में रस है, भगवान की हर क्रिया में रस है। शाबाश, जैसे हलवाई के हर चीज में खांड है, उसका तौलिया देखो, उसका कपड़ा देखो, उसकी धोती देखो, उसकी कमीज देखो, उसकी बुनियान देखो, उसका गले में लटकता हुआ जनेऊ देखो, है हाँ, उसकी करछी देखो, जीभ लगा के देखो मिट्टी, उसकी कढ़ाई देखो, जब भी आप हाथ लगाएंगे हलवाई की हर चीज मीठी होगी। सारा दिन काम ही मिठास का है, इसलिए भगवत संबंधी कोई भी हम कार्य करेंगे उसमें मिठास है, रोने में मिठास है, तो बाकी बातें तो एक तरफ रह गई। इनके आंसू बहाने में मेरी कल्याणकारी देवियों और सजनों रस ही रस है। जिस मालिक ने इतना सुअवसर नहीं स्वर्ण अवसर दिया है, वो ये भी सोच रहे होंगे इनको इतनी भी ताकत दूं कि ये अपना ले, ये अपने जीवन में ढाल ले। कभी अपने जीवन में अनार मोटा लेकर के काबली अनार आपने काटा? अगर किसी ने नहीं काटा अपने जीवन में, मेरे कहने पर चाहे 10 रुपए का अनार मिले, एक बहुत तेज चाकू से या छुरी से सेंटर में से जहां ऊपर वो मूसा बना होता है गोल गोल, उसमें से लेकर के काटना बड़े ध्यान से, और दो फाड़ जब हो जाए, एक फाड़ को नीचे थाली में रख देना और एक टुकड़ा लेकर के शुक्र बनाना, भगवान ओ भगवान ओ भगवान, नारी के साथ दाना कैसे सता रखा। ऐसी तो सचमुच मशीन भी नहीं कर सकती, दाने में दाने में दाने में दाना में दाना में दाना में दाना, कितने बार बोलूं मैं, कैसे उसके अंदर एक में किया हुआ है। आदि समाधि लग जाएगी अगर आपका मन एकाग्र है तो, अगर आपका मन इधर से हटा हुआ है, इन दानों को देख कर ही आप गदगद हो जाएंगे। वाह वाह, ये मैं क्यों दृष्टान दे रहा हूं, इसलिए कि ये जो गुणों का जिक्र हो रहा है, सभी आएगा कि गुण आपको अंतःकरण में इस तरह अनार के दानों की तरह सटे हुए लगे हुए नजर आएंगे। है अंदर दानियों में एक दूसरे से अलग नजर नहीं आते, वो ऐसे नजर आते हैं जैसे कंपैक्ट एज ए होल, एक ही है ये बेटे। एक अंगूठे का जोर मार मार के दाना अलग अलग करो तो वो और बात है, वरना भगवान ने ऐसा रखा है कि मजा नहीं एक दाना भी अलग हो जाए। इतने कस के रखे, साथ ही साथ ढीले नहीं रखे, बड़े कस के हैं, बहुत कस के। मेरी दिव्या, ऐसी कोई चीज मेरे संसार में नजर नहीं आई जो इतनी कस के रखी जाए, कैसे तरीके से रखे गए हैं। इस तरह ये गुण जो जो आपकी बुद्धि डेवलप करेगी, श्रद्धा डेवलप करेगी, भक्ति डेवलप करेगी, एकाग्रता और पवित्रता ज्यादा आती जाएगी, आप खुद अनुभव करेंगे। इन गुणों को आप एक दूसरे से अलग ना समझना, मेरे पास और कोई दृष्टांत नहीं सिवाय अनार के दानों के, एक दूसरे में सटी होती है, इंटैक्ट होती है, इंटैक्ट अटैच्ड अटैच्ड बहुत बुरी तरह, जैसे 3-4 लड़कियों के बाद लड़का हुआ हो और माँ उसे अपने साथ लगाए बैठी हो तो पता ही लगता है बच्चा जच्चा कौन है, एक ही हुए पड़े होती है, बिल्कुल एक है, इतना ममता होती है माँ को। इस तरह बच्चे जच्चे की तरह दाने एक मेक है, तो ये गुण भी आपस में एक मेक है। ये मन में ना सोचना कि इनमें से कुछ गुण ले ले, नहीं, ये आपस में इकट्ठे गए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमने क्रम अनुसार 10 की गिनती कर ली, सीरियली हमने इनको 10 ले लिया। अब इनमें से हम किसी भी अंक को इधर उधर नहीं कर सकते, ना 2
6, 8, 10 ये बात नहीं है, इनको क्रम में बोलना पड़ेगा। जैसे इनका नंबर है 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6, ये गुण भी इसी तरह मेरे प्रभु ने क्रम अनुसार रखे हैं, और जो जो हमारे मन का विकास होता है क्रम अनुसार आते जाते हैं। अब कल की बात लो, द्वंद्व पर चर्चा चलाई भगवान ने और एक द्वंद को ले लिया, सर्दी और गर्मी को, अर्थात जो त्वचा का गुण है, त्वचा मैंने चमड़ी स्किन, सर्दी गर्मी तो स्किन से लगती है, कोई चीज नरम है गर्म है, सर्दी है गर्मी है, ये त्वचा बताती है। इसी तरह बाकी इंद्रियों के काम वो भगवान ने इशारा कर दिया, सिर्फ त्वचा को ले लिया, हां बाकी आंखों का फंक्शन देखना, तो अज्ञानता में ना दे भगवान ज्ञान, उनकी मर्जी जैसे वो चाहे करती जाए, दुनिया बनाई जाए, हम उनकी दुनिया जैसे मर्जी, आपका परिवार है जैसे मर्जी करो, आप अपने घर में रहती जैसे मर्जी, इस चीज को उधर रख ले उसको उधर रख दे, कोई तोड़ दे कोई फोड़ दे, जो मर्जी तेरी मर्जी। इस तरह ये भगवान की सृष्टि है जो मर्जी करते जाए। हां तो मन ने कुछ अज्ञानता में ऐसा बना रखा होता है, क्या बना रखा होता है ऐसा, क्या इसे अलग अलग, जैसे पहले बता चुका हूं अंगों के अलग अलग अपने संस्कारों अनुसार चीजें चाहिए, अलग अलग आंखों के अलग विषय हैं यानी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, कानों के अलग वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मुझे अच्छे लगते होंगे सुनने में वो आपको नहीं अच्छे लगते, जो आपको अच्छे लगते होंगे वो आपकी सगी बेटी को नहीं अच्छे लगते, जो आपकी बेटी को अच्छे लगते हैं वो उसके श्रीमान को नहीं अच्छे लगते, जो उसके श्रीमान को अच्छे लगते हैं उसी के पुत्र को नहीं अच्छे लगते। ऐसी वैरायटी बनाई है भगवान ने संसार में, यानी भिन्नता यानी इख्तलाफ, बड़ा इख्तलाफ है। अपने परिवार को ले लो, हम बाकी को छोड़ो परे, वो उस परिवार में तो सचमुच स्वर्ग उतरा हुआ होगा, जिस परिवार में सारे सहमत हो, सारे एक मुठ हो, सारे एक मुठ, जैसे उंगलियों ने मुठ्ठा बना दिया, नहीं भगवान चाहते ही नहीं। और तो श्रीमान श्रीमती को हम लोग पहले एक ही कहा करते थे, एक जी, अब ये दो नजर आती हैं, आपस में इख्तलाफ, सहमत नहीं, भिन्न मत हो गए। हर बार ये भिन्न मत तो पति पत्नी कभी ना होने पाए, ये रिश्ता ही क्या है, एक बहुमत का नहीं है, एक मत का है, है। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपको किसी ने इसलिए नहीं बताई, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के आजकल के कम वक्त ऋषियों के तप का लाभ नहीं उठा रहे, केवल अपनी पढ़ाई की कमाई का लाभ उठाया जाता है, ऋषियों की कमाई का लाभ नहीं उठाया, हम ऋषियों के तप का लाभ नहीं उठाते, इसे ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको। बड़े गौर से सुनते रह करो और भगवान से प्रार्थना करते रहो, अब ये मैं अपना लू। तो ये रिश्ता क्या है, एक मत का, और दुनिया कैसे चल रही है बहुमत से, अनेक मत, देयर आर सो मेनी वैरायटी, वैरायटी में प्यार नहीं होता, वैरायटी हमारे हिंदू धर्म में कमाल कर दिया, और एक कार्य में तू अगर शांति चाहता है वैरायटी को आंखें से उड़ा, वैरायटी में एक जो टिका हुआ है उसको निहार, हाय भिन्नता में, इस भिन्नता में जो एक है कौन, भगवान जी, तो उसको निहार, और भिन्नता को देखता हुआ भी ना देख, जिसके इसमें एक ऐसी जात है जो इन सबको चलाए हुए है। हमें कहा जा रहा है भले ही तुम भगवान जी का नाम लो माला पर और मन के रंग बरंगे है, यानी मल्टी कलर के मन के है, विशाख जपते जाओ, लेकिन ये ना भूलो कहीं नाना प्रकार के रंग बरंगे मनकों में धागा एक ही जा रहा, वाह ये हमारा है वैदिक सनातन धर्म। सुनो मैं आपको सार बता देता हूं अपने धर्म की। हमारा वैदिक सनातन धर्म क्या कहता है, कसरत में वादत, नानात्व में एकत्व, प्लुरिटी में वननेस, डाइवर्सिटी में यूनिटी, और बड़ा सा दृष्टांत भगवान ने दिया है, परोया सब कुछ मेरे तार में, हीरे हो जैसे किसी हार में, बहुत कमाल का दृष्टांत है। मन के अलग अलग माला एक, लेकिन उनमें धागा जो है सारे मनकों में एक ही जा रहे, 108 मन के हैं लेकिन धागा तो एक है, इससे 84 लाख योनियां है, लेकिन इनकी जो जान प्राण है वो मेरी इस देव है, जो इनकी जान प्राण है वो मेरे इष्ट देव है, वो मेरे गैर नहीं,
आओ मैं आपको बड़ा दूर ले चलूं द्वारका, द्वारकापुरी में। हाँ ये देखो क्या कर रही है, भगवान के द्वारपाल धक्के मार रही है, निकलो यहां से। ओए कंगालों के सरदार, कंगालों के सरदार, अरे भिखारी तू कहां गया? एक धक्का मारा, दूसरे धक्का मारा, तीसरे उठा के परे मारा, कितनी दुर्दशा करवा रही है भगवान जी बेचारों को, धक्के में धक्का लग रहा। ओ मेरी सुनो, ओ सुनो जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरी तो सुन लो, मुझे धक्के मार देना, मुझे यहाँ से निकाल देना बेशक, पहले मेरी तो सुन लो क्या कहना चाहता है। इस द्वारकापुरी के इस महल में कौन है? हमारे भगवान जी, हमारे महाराज जी है, जो इसके अंदर महाराज जी है वो मेरे सखा है। तेरे सखा मेरे बाल सखा है, हमने बचपन इकट्ठे काटा है, हमने एक ही जगह बैठ के एक दूसरे के मुंह में ग्रास दिए और थप्पड़ मार दिया, तूने दिया हमारे, हाँ वो मेरे बाल सखा है। इतने में वाजे एक और सरदार आ गए, इन्होंने धक्का मारा, उन्होंने आगे हाथ रख के बचा लिया। ये क्या, भगवान के द्वार पर इतनी शक्ति, इस गरीब के साथ तुम कौन हो? मैं एक विप्र हूं, विप्रम्य ब्राह्मण, विप्र, और तुम्हारा कसूर क्या ये धक्के मार रही है? जवाब देखो आप, तुम्हारा दोष क्या है ये धक्के को मार रहे सारे? जरा देखिए कलेजों को थाम ले, जरा मन को दोनों हाथ यू पकड़ ले बेटे, जवाब क्या दे रहा सुदामा? जब तुम सदा कुछ, तुम्हारा दोष क्या है? मेरी निर्धनता ही मेरा दोष है, मेरी गरीबी ही मेरा दोष है। गरीब हिल के बेचारे का मन पकड़ लिया, छाती से लगा लिया। सचमुच आजकल भी गुर्बत बड़ा भारी दोष है, यही मेरी गुर्बत, फटे हुए कपड़े, धोती में इतने रोशनदान बने हुए गए, ऊपर तो कपड़ा है ही कोई नहीं, और वो जो उत्तरीय लिया हुआ तौलिया या अंगोच्छा वो भी फटा पुराना, जान ही नहीं उसमें, यूं करो तो छिज जाए, बिल्कुल छिजा हुआ रोटन है, बिल्कुल चीथड़े। कौन हो तुम? मैं भगवान जी का बाल सखा हूं। बाल सखा तुम? बिल्कुल मिट्टी कहते हो, ये मुझे धक्के मारते का। तुम बाल सखा कहां से आ गए? तुम्हारी क्या, तुम जो है मोहताजों के सरदार हो, गरीबों के सरदार, और वो हमारे महाराज। बिल्कुल हम इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे पढ़ेंगे, एक दूसरे के मुंह में हमने रोटियां डाली है, ग्रास है, इतनी नजदीकी। तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा नाम? सुदामा। सुदामा, फिर उसके बाद जो दशा हुई आप जानती है, सही हाल है। आज इंसान का दोष क्या है? जलील हो रहा है, खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। आज नारी का क्या दोष है? पढ़ भी गई, एक नया स्यापा अपने अपने कंधों पर ले लिया, कमाई का नया बोझ अपने सिर पर ले लिया, मां भी बनो, शॉपिंग भी करो, अनेक काम करते हुए साथ ये क्या, टकसाल भी बनो, टकसाल जा गवर्नमेंट के, क्या ये सिक्के और नोट बनती है, पता है गवर्नमेंट की बहुत बड़ी टकसाल कहां है? नासिक, नासिक में गवर्नमेंट की बहुत बड़ी टकसाल है। अच्छा, अब आज को तुम टकसाल ही बन गई, और ले रही जिम्मेवारी सिर के ऊपर, इतना कुछ आप कर रही हो, इतना कुछ बना रहे हो, कुर्बानियां कर रहे हो, आप भी कर रही है, लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, इतनी पढ़ाई भी है, फिर दुख क्यों है? हम अपनी मां को याद करें, उस वक्त और इस वक्त में आकाश पताल का अंतर है, उससे परे हटके अपनी दादी को देखे तो बड़ा और अंतर है। हाय, नानी को देखे तो जारी शब्द भी नहीं निकाल सकती थी, ऐसा बात। तो अब तो बहुत ही आप विकसित हो गए, बिल्कुल विकसित। कहीं तो मेरे ऐसे कुकू देखे भाई, खुद नहीं बात करेंगे, बोलना इनको समझाना क्या कहना चाहती है, वो अपने असेंबली स्पीकर अपनी पत्नी को बुला कर देंगे, असेंबली स्पीकर उनकी पत्नी है, कि वो एक्सप्रेस करे, एंड जेंटलमैन कैन नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फुली वेल, वो करे एक्सप्रेस। बोलना आप, बोल क्या कहेंगे, जो पूछ रहे तू बता,
और आप किस लिए गए? हम तो बस ऐसे ये। अच्छा, तो इतना कुछ करने के बाद फिर दुख क्यों है? तो इतनी बेचैनी क्यों है? एक ही जवाब भगवान देते हैं, जहालत है उर्फा पे, दुनिया का चक्कर, अज्ञानता। आज फिर एकाग्र हो जाओ, आज फिर मेरी देवी एकाग्र हो जाओ। अज्ञानता, भगवान के पास सैकड़ों हमारी शंकाओं का एक ही जवाब अज्ञानता। अज्ञानता फिर मैं इसे पूछो, अज्ञानता किसे कहती है? परमात्मा ने जिस चीज को जैसे बनाया है उसको वैसे ना देखना। मैं बड़े साधारण शब्दों में कह रहा हूं मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, माताओं और मेरी अच्छी बेटियों, परमात्मा ने आपके बाप ने नहीं, आपकी मां ने नहीं, आपके किसी और रिश्ते ने नहीं, या आपने नहीं, आपके परम पिता ने जिस वस्तु को जैसा बनाया उसको वैसे ना देखा, अपने ख्यालों से पदार्थों को देखना, ये अज्ञानता। अपने ख्यालों से, इसका मतलब तो हर एक के अपने अपने ख्याल है। हाँ, अपने अपने ख्याल, हर एक का अपना अपना दृष्टिकोण है, नो डाउट। हर एक का अपना अपना नुक्ता निगाह है, नो डाउट। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि कितनी सृष्टियां हो गई, इसलिए हमारे व्यास जी कहे गए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। भगवान ने तो सृष्टि एक बनाई, जिसे बोलेंगे भगवत सृष्टि, भगवत सृष्टि। और हमारे जीव ने हाँ अलग अलग सृष्टियां बना ले। वैसे मोटे तौर पर तीन प्रकार के जीव होती हैं, तीन प्रकार के इंसान होती हैं, सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी। तो हर एक के में तीन प्रकार की सृष्टियां हो गई। आपकी सृष्टि और प्रकार की है, रजोगुनी का दृष्टिकोण कुछ और है और तमोगुनी का दृष्टिकोण कुछ और है। वाह, एक ही गैया ले लो, बाजार में गुजर रही है, आपने हाथ जोड़े शीश झुका दिया, मैया आपको बार बार प्रणाम। एक और आदमी गुजरा, बड़ी अच्छी गैया, बड़ी शानदार गैया, इसका दूध तो कम से कम भी 20 किलो से कम तो नहीं होगा। पूछ ही लिया, भाई गैया ले आयो, 14,000 की मिली है। 14,000 दूध हम तीन बार दोती है, तीन बार कितना दूध है? अच्छा बता देता हूं, मैं बताता तो नहीं नजर ना लग जाए, पर फिर भी बता देता हूं कितना दूध है। एक टाइम में 8 किलो आता है, 25 किलो। हाँ अच्छा, 2 किलो तो हम बछड़े को पिला देतेंगे। अच्छा बहुत अच्छा दूध है, इतना दूध आपने क्या करना है? देखो दृष्टि को, जो से प्रणाम नहीं किया गया को, इतना दूध क्या करना है? इतना दूध हमें तो ज्यादा 5-6 किलो घर में चाहिए, क्या फिर आप बेचेंगे? तो मैं हलवाई हूं, मुझे बेच दो। वो अपनी गैया किसी और दृष्टिकोण से देख रहा है। एक और नालायक और पापी जल्लाद गुजर रहा है, अगर इस गैया को मार के मांस लिया जाए तो पता मेरे कितने डब्बे भरे। शाबाश, ला उसका दृष्टिकोण, तमोगुणी का दृष्टिकोण कुछ और। एक ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लाइफ से एक ही चीज है, दृष्टिकोण अलग अलग। आप प्रणाम कर रहे हैं, पुण्य बटोर रहे हैं, रजोगुनी अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है और तमोगुनी उसे कत्ल करके डब्बे भर भर के जापान भेजना चाहता। वाह, देख लीजिए डब्बे भरे जाती हैं। इसे अंग्रेजी में बीफ बोलते हैं, बीफ। सबसे ज्यादा कीमत गऊ के मांस की होती है, जो इनके डब्बे बिकती हैं, सबसे ज्यादा कीमती। चीज एक और दृष्टिकोण अलग अलग। इससे सृष्टि की चीजें तो एक है मेरे सजनों, मेरी देवियों, लेकिन हमारे संस्कार अलग अलग है। वेल आई मीन टू से इंप्रेशंस आर डिफरेंट, वर्ल्ड इज सेम लेकिन इंप्रेशन अलग अलग है। जैसे ये चीज तो सारी नजर आ जैसी एक जैसी, लेकिन आपने ऐनक में जो शीशे लगा रखे हैं, किसी के नीले, किसी के हरे, किसी के पीले, किसी के आसमानी, नीले गए, इसलिए सृष्टि भी ऐसी ऐसी नजर आएगी। तो मशहूर है, जैसे जिसकी शीशी गए वैसे उसको सृष्टि दिखाई देती है। तो हम यहां पर किस लिए आते हैं? हम अंतःकरण को निर्मल करने के लिए आते हैं। निर्मल करना क्या होता है? अंतःकरण को परमात्मा ने जैसे बनाया था, हाँ उसके ऊपर हमने कुछ और गड़बड़ मचा दी है। हाँ हमने उसके ऊपर बैड इंप्रेशन डाल दिए है, यानी अर्थात अशुभ संस्कार डाल दिए हैं।
अब शुभ संस्कार कैसे डलती है, फिर मैं वही आ जाता हूँ। भगवान ने जैसी सृष्टि की चीजें बनाई हमने वैसे नहीं देखा, हमने किसी पदार्थ को काम की दृष्टि से देखा, और देखा देखने बुरा कोई नहीं था, गौर देना सुनना मेरी देवी हो। हमने किसी प्राणी पदार्थ को बड़े गौर के बड़े देखा काम की दृष्टि से है, देखना बुरा नहीं। किसी को क्रोध की दृष्टि देखा बड़ा गंदा बड़े कमीनी है बड़ी मर जाए तो अच्छी बात है, और किसी को लोभ की दृष्टि से देखा ये चीजें मेरे पास भी आ जाए, मेरे पास कई तो ये नहीं है जो मैं इसके घर में देख के आई हूं। कईयों को हमने मोह की दृष्टि देखा, कितना अच्छे मेरी चार लड़कियां हो गई है, इनका लड़का कितने भगवान कृष्ण की याद दिलाता है, है ऐसा लड़का मेरा भी हो जाए तो कितना अच्छा। जैसे गोपियां किया करती थी, उनका बस चल जाए तो जाते हुए कान्हा को पकड़ लेती थी, कान्हा कान्हा हाँ तो रुक जा, उसे पकड़ लेना, उसे चूम लेना, उसे प्यार करना, कान्हा कान्हा रे तुम्हें कितना अच्छा लगता है, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। गोपियों ने क्या कहा, कान्हा तुम्हें कितना अच्छा लगता है, कोई काम करने का चित भी नहीं चाहता, सबको खींच रहे थे अपनी ओर, पानी भरने का चित नहीं चाहता, पनगट जाने पर मेरा चित नहीं चाहता, कान्हा कान्हा एक बार तुम्हें और प्यार कर लो, कर लो इतना करो कि मेरी गाल दर्द न करे, कर लिया प्यार। हाँ कान्हा तू यशोदा के घर में क्यों पैदा हुआ रे, तू मेरा क्यों नहीं पुत्र बना। इसके बाद नारी क्या कहे, इसके बाद गोपी अपना प्यार बताए तो कैसे जताए, तू मेरा क्यों नहीं पुत्र बना, तू यशोदा के घर में क्यों बना रे। हाय अरमान, ये इसे मोह कहती है। अब चीजों को देखना तो बुरा नहीं था, लेकिन जब ये काली वृत्तियों के साथ हम देखते हैं इसकी इंप्रेशन पड़ जाती है, इसे बोलते हैं संस्कार। वैसे ये राज की बातें जान लो, जब तक मेरे शरीर है मुझसे ये ले लो, यू देखना बुरा कोई नहीं, देखते रहो भगवान ने बनाई है, लेकिन ये जो हम साथ मिला लेते हैं, ये काम की दृष्टि से, क्रोध की दृष्टि से, मोह की दृष्टि से, लोभ की दृष्टि से, अहंकार की दृष्टि से, इनके संस्कार पड़ते हैं, इससे अंतःकरण खराब हो जाता है, खराब हाँ दूषित हो जाता है, इसे अंतःकरण इम्प्योर हो जाता है, हाँ फिर उन्हीं संस्कारों से विचार बन जाते हैं, और विचार बन जाते चल ये भी बुरी बात, लेकिन उन विचारों से फिर वैसे काम होते हैं, फिर वही संस्कार दोबारा फिर जाके पड़ जाते, वो मोए मोए इंसान मोया, बड़ा बुरा हाल हुआ, फिर इस तरह अगर यूं हाल होता रहा तो क्या हम लोग मार खाते हैं, या हम लोगों का फिर हाल बुरा होता है। क्यों भगवान आज क्या चाहते हो, भगवान के ज्ञान लेकर, जो भगवान जी ने गीता के माध्यम से ज्ञान दिया है, ये लेकर क्या होता है, हमने और कुछ नहीं होता, क्या हम यहाँ पर जो ले रहे हैं क्या कर रहे हैं, जो हमने अपने दूसरे संस्कार अंतःकरण पर डाल के अंतःकरण को खराब किया, सिर्फ उन्हीं को हटा रहे हैं, केवल उन्हीं को हटा रहे हैं। एक दृष्टांत जो मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया और मेरे घर पूरा कर दिया, डॉक्टर आग का ऑपरेशन करता है, क्या कर रहा है, कोई रोशनी दे रहा आपको, बिल्कुल भी नहीं, कोई आपको लाइट दे सकता डॉक्टर, नहीं, भगवान ने लाइट दे रखी है, हाँ ऊपर आपके कैटरेक्ट जिसे हम कहते फोला सा, ऊपर फोला आ गया है, पीछे इसकी रोशनी आना है, रेटिना है ऊपर फोला आ गया, आप पीछे रेटिना यानी आना है, उसमें से रोशनी ट्रांसपेरेंट नहीं होती, पारदर्शी नहीं होती, तो डॉक्टर साहब जो फोला आया उसी को आपने तेज चाकू की और अपनी कारीगरी से हटा देती, बस, और डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं किया, जो एक पर्पल सा आ गया था आने के ऊपर उसी को रिमूव किया, तो पीछे तो रोशनी थी, आना कैंप था। इस तरह सत्संग में, खासकर गीता जी के सत्संग में आकर हमारे अंतःकरण पर हमने जो गलती से, अज्ञानता से, बेवकूफी से अपने साथ वैर कमाते हुए पूरे संस्कार डाल लिए, भगवान के ज्ञान से वो संस्कारों को ऑपरेशन हो जाता, संस्कारों को ऑपरेशन बिना चाकू के, बिना किसी औजार के, क्या भगवान के ज्ञान से हमारे जो बैड इंप्रेशन थे रिमूव्ड, फिर जैसी चीजें हैं उन्हें को उसी रूप में देखने लगते हैं, है
क्या मतलब? भगवान की दृष्टि से जहान को देखा जाता है। इसे क्या बोलेंगे? ज्ञान चक्षु। भगवान आपको ज्ञान चक्षु दे देते। बोलो चले अंदर। ठोस लाभ यही होता है, मेरी कल्याणकामी देवी और मेरे सजनों, हमने जो कुछ किया अपने साथ सिर्फ उसी मिटाने आते, सिर्फ उसे। नंबर दो दृष्टांत लो, छुट्टी वाला दिन है, वेरी गुड। अब छुट्टी वाले दिन आप क्या कर रहे हैं? कपड़े धो रही हैं। हम बोलते कपड़े धोना, मैं क्या करूं आप, ये गलत शब्द है। चलो मैं यही बोलता कपड़े धो रही है। 6-7 दिन में जो आपने साड़ी पहनी या आपका सूट पहना या अपना पजामा कमीज आपने पहनी है ना, हाँ, आप क्या करते हो? उसकी जो मैल पड़ गई वो छुड़ाते हो। कपड़े नहीं धोती, अब मैल छुड़ाती है। अब ये शब्द आम चल पड़ा, मैं कपड़े धो रहा हूं, मैं कपड़े धो रही हूं, मैं तेरे पास नहीं आती ना, तो कपड़े धो रही हो नहीं, कपड़ों में पड़ी हुई मैल छुड़ा रही हूं। कपड़ा तो वैसे का वैसा ही है, लेकिन 6-7 दिनों में इस पर मैल आ गई, उसी को धोया जा रहा है। कपड़ा फिर अपने पहली सूरत में, जो सोमवार को आपने सूट पहना था, उसी तरह चमक उठता है। इस तरह जब रब ने पहले में आपका अंतःकरण चमकता दमकता हुआ बनाया था, भगवान के ज्ञान को अपना लेने के बाद वो पहली अवस्था में आ जाता। इधर बीच में हमने अपनी गलती से गड़बड़ मचा डाली। गड़बड़ कहां से मची? अच्छा, आपका कपड़ा पजामा या कमीज कैसे खराब हुआ, पोशाक कैसे खराब हुआ? कोई कभी मेले हाथ लग गए, कभी काले हाथ लगे, कभी चिकने हाथ लग गए, हाँ, कभी आपने कुछ मेकअप की होगी, उसका लाल लाल लग गया कपड़े को, कभी कोई और चीज लग गई, हाँ, वो कपड़े को ना चाहने पर लगती गई, कभी हम दीवार के साथ गए तो दीवार का अपना चूना चूना गंदमंद और कोई लग गया, पता नहीं कहां कहां से हमने गंद लगा दिया, हाँ, तो उसी गंद को छुड़ाना होता है। इसी तरह हमारे गंद कहां से लग गया? कभी काम का, कभी क्रोध का, कभी मोह का, कभी लोभ का, कभी अहंकार, इनको ये छूटता ज्ञान से गए। अच्छा, अब ज्ञान आजकल तो ये शब्द भी बड़ा हैरान कर रहा है, ज्ञान आजकल कर दे हैरान। आप भगवान जी के साथ मेल नहीं खाती मेरी भोली भाली देवियो, समझो वो अज्ञान है। जो बात भगवान के साथ मेल ना खाए, टैली ना करे, हाँ, वो अज्ञान है। आपने गीता जी में से कुछ श्लोक लिखे हैं, फिर आपने बेटी को कहा, हाँ तू श्लोक पढ़, मैं देखती हूँ, मेरे कुछ शब्द बीच में रह तो नहीं गया। अब वो पढ़ रही है, व्याह कामान, हाँ ठीक लिखा, व्याह कामान या सर्वान पुमान चढ़ती निष्प्रिया, पुमान चढ़ती निष्प्रिया निर्ममा, निर्ममा तो लिखे कोई नहीं। तो कैसे मिला रही हूँ? गीता जी से अपना लेख मिला रही, चूंकि लिखा गीता जी से है। तो भगवान भी कहते हैं ज्ञान उसी को मानना जो गीता जी के अनुसार आपके मन में आ रहा हो, या कोई ज्ञान दे रहा है तो गीता जी के साथ मेल खाता। इसे अंग्रेजी में टैली बोलती है, हम अपनी भाषा में कहेंगे मेल खाना, कि गीता जी किस ज्ञान के साथ मेल खाया कि नहीं। चूंकि शुरू में भगवान ने ही सृष्टि बनाई और इंसान के कल्याण के लिए भगवान ने ही ज्ञान दिया, इसलिए इसे बोलती है सनातन धर्म। सनातन का मतलब कोई मजहब नहीं, सनातन मैंने अटर्नल एंड प्रीमियर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अजल से जो भगवान ने धर्म बनाया उसे बोलते हैं सनातन। ये तो बाद में फिरके बन गए, आर्य समाजी एक सनातन धर्मी, वो नहीं। सनातन मतलब अटर्नल एंड प्रीमियर, जो अनादि काल से, ये उर्दू वाले कहेंगे अजल से, जो अजल से परमात्मा ने बनाया वो अपनी भाषा में सनातन शब्द कहलाएगा। अच्छा, सनातन काल से जो शुरू से भगवान ने बनाया, मैं दीने अजल का भी हूं आसरा, मेरी जात आली में रास, मैंने जो भगवान जी ने हमारे कल्याण के लिए जो उपदेश दिया उसे बोलते हैं सनातन धर्म। अनादि काल से जो चलता आ रहा है हमारे कल्याण के लिए भगवान ने बनाया, ये सनातन धर्म कहां है? चारों वेदों के अंदर। अच्छा, चारों वेदों का खुलासा या कुंजी है गीता जी, ये हमारे पास कुंजी है वेदों की। अच्छा, वेदों का खुलासा, वेदों के एग्जॉस्टिव नोट्स जो भगवान जी ने आने वाली जनता के लिए आसान कर दिया। अच्छा, बस इसी को मिटाने के लिए, यानी अपनी अज्ञानता अपने संस्कारों को मिटाने के लिए हम भगवान जी की वाणी सुनते हैं। क्या हमने संसार को उसी तरह देखना है जैसे भगवान जी ने सृष्टि बनाई है? तो ये फिर शुरू में माँ बाप बताते हैं ऐसा, प्रोजी बताते हैं, स्कूलों कॉलेजों में बताया जाता, वो ये सारी बातें हट गई, इसलिए हम अज्ञानी बन। अज्ञानी का मतलब
जैसे नहीं विचारना चाहिए वैसे विचारती है, जैसे नहीं देखना चाहिए वैसे देखती है। किसकी? सृष्टि को या जहान? में दो ही तो चीजें हैं, जहान और भगवान। हाँ, जहान और भगवान। हाँ, जब तक आपका बच्चा नहीं होता घर में कौन है? कौन है? श्रीमान श्रीमती बेटे दो ही तो है ना घर के अंदर। जब तक नहीं बच्चे वहां वहां करते तब तो दो ही है। तो इस सारी सृष्टि में कौन है? जहान और भगवान। एक भगवान और यू बोला करे, पहले जहान न कहा करे, एक भगवान और एक जहान को बनाने वाले भगवान जिन्होंने इस जहान को बनाया है। अच्छा, ये अंग्रेजी मुझे इनकी शब्द अच्छी लगती है, क्रिएटर और क्रिएशन। ये क्रिएशन हो गई तो इसको किसने क्रिएट किया है? भगवान। क्रिएटर, क्रिएटर प्लस क्रिएशन। हाँ, उर्दू के बड़े अच्छी शब्द है। क्या आपका खालिक और खालिक ने क्या बनाया? मखलूक। होए होए अपने शब्द बताओ अपने राष्ट्रीय भाषा के। अब बताता हूं, सृष्टा, ये प्रचलित शब्द नहीं, सृष्टा। सृष्टा ने क्या बनाई? सृष्टि। होए होए सृष्टा से पेट में रा देकर, सराक सा सा के पेट में रा दीजिए। अच्छा, सृष्टा शाटा इकट्ठा और ये सृष्टि, सृष्टा प्लस सृष्टि, दो ही तो है। हाँ, तो इन्हीं का परिचय हमें शुरू में दिया जाए, जो मेरे से सर्द आहें निकलती हैं, या मैं अपने भगवान को शिकवा देता हुआ आदत नहीं छोड़ सका, क्या सृष्टि बनाने वाले सृष्टा सृष्टि के बारे में हमें पहले बता देता कि ये सृष्टि ऐसी है। या हमारे माँ बाप बड़े ब्रह्म ज्ञानी होते, वो भी नहीं, या हमारे पुरोहित बड़े तपस्वी होते ब्राह्मण, वो हमारे गुरु थे, वो भी नहीं, या फिर जहां पाठशालाओं में हम गए वहां के पढ़ाने वाले ऐसे होते, वो भी नहीं। फिर इंसान क्या क्या बना? धक्के खाएगा, खुद भगवान ने कहा गम बेहिसाब उनको दिन हो गए, क्योंकि ज्ञान के बिना हमने सोचना गलत है, असली ज्ञान के बिना हमने सोचना गलत है। हमने सृष्टि को गलत देख, अशुभ देखना है या भ्रांति पूर्ण देखना है? भ्रांति पूर्ण। हमने इसको मिसअंडरस्टैंड करना है, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग। वहां पर हम मार खाते जाएंगे बेटी, हम मार खा लेंगे। आप सवाल निकाल रही थी किसका, गणित का या अर्थमेटिक का? हाँ, और शुरू में बेटा गड़ कर दिया। क्या करा? शुरू में माइनस करना था, गलती। अरे तुझे पता भी है, ये सवाल तूने कई बार निकाली है, सरल करो। सरल करने में पहले माइनस करना था, घटाना था। कोई मां दी थी जमा की बैठी पेट मर, सवाल निकलने कोई नहीं। हाय, शुरू में काका माइनस करना था ये। अच्छा, आपने जमा कर दिया, जिस रकम ने कम होना था वो तो रकम बढ़ गई शुरू में ही। इसे आप कहेंगे श्री गणेश ही उलट हो गया, और वो मुसलमान बोलते थे बिस्मिल्लाह ही मेरा गलत हो गया, बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह ही गलत की थी बैठा हूं। हम कहेंगे श्री गणेश ही मैं मिट्टी पाई बैठा हूं, मैंने मिट्टी पाली श्री गणेश शुरू से ही, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। हाँ, इस तरह जब हमारी आंखें ये थी और आंखों के पीछे मन था, हमारी आंखें बाहर गई और बाहर देखा, प्रकृति को देख, पिताजी को देख, माँ को देख, बहनों को देख, पड़ोसन को देख, अड़ोसन को देख, आपको देख, और माँ के रिश्ते आते थे उनको देख, पिताजी के रिश्ते आए थे उनको देख। अब हमारा देख रहे गलत। अब जब देखा भ्रांतिपूर्ण है, विचार करना भी हमारा अशुद्ध होगा। ये जब दोनों अशुद्ध हो जाते, ओ मेरे परमात्मा, ओ मेरे परमात्मा, देखना अशुद्ध, विचारना अशुद्ध, आगे क्रिया ही मेरी अशुद्ध होगी। क्रिया अशुद्ध का मतलब मैं काम में भर के आपको देखूंगा, फिर क्रोध में भर के आपसे लड़ाई करूंगा, फिर लोभ में भर के किसी चीजों के लिए तरसता रहूंगा, फिर मुंह में भर के कईयों को अपनी छाती से लगाता रहूंगा, हंकार में भर के अपनी एड़ियां जमीन से उठाता रहूंगा। पांचों वृत्तियों ने मुझे भ्रांति से मारा, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग से मैं मर गया। आज का इंसान क्यों मोया? अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग से। उर्दू वाले बोलेंगे अपनी गलत फहमी से इंसान ने मार खा ली, अपनी गलत फहमी से। अब ये तो रब बताया ना, आप उनकी सृष्टि ये गए कोई बताए, क्योंकि मैंने कई बार कहा बिना बताए इंसान को नहीं पता लगेगा, नहीं समझ आएगी कि ये क्या है।
अब भगवान ने आज प्रसंग क्या चलाया, मैं क्या बोलूं इस प्रसंग के ऊपर। कई प्रसंग तो मुझे डराती है, घबराती है, मेरी खुद रोनी छूट जाती है। हालांकि ये मेरे लिए वाजिब नहीं है, मैं गीता का प्यारा हूं, लेकिन मेरे आंसू मुझसे रूठ जाते हैं। मैं क्या करूं कि मेरे भगवान, ये मैं आज के गृहस्थ आश्रम में रहने वालों को कैसे बताऊं। क्या कह रही है, मेरा भगत कौन जिसके लिए सुख दुख एक समान। कल क्या कह रहे थे, सर्दी गर्मी एक समान, आयो मेरा रब्बा। और आज कह रहे सुख दुख एक समान। तो सुख दुख रब ने तो बनाए नहीं, नहीं, सुख दुख तो हमारी आंखों ने बनाए गए, हमारे कानों ने बनाए गए और बाकी हमारे अंगों ने बनाए। अब इन्होंने क्यों बनाए, इनका प्रयोग करने वाला जो अंदर अंकल बैठा है मन, हाँ ओ, ओ, उसके विचार ही खराब है। कौन है अंकल? अंकल हमारा मन, वो इनका प्रयोग करने वाला है। घर में तो गैया है और गैया का बहुत अच्छा दूध है। हाँ क्या कहा जाए बेटी, भाई और मेरे बच्चों में क्या करूं। घर में तो गैया का दूध है, गैया को तो हम, गैया के दूध को हम अमृत मानते हैं। इस धरती का अमृत क्या है, गैया का दूध। अच्छा, वो अमृत उनको मुबारक हो, ये अमृत हमें मुबारक हो। हाँ लेकिन जिसने गैया पाली है नालायक है, ये बुद्धू है। क्यों गैया के दूध में शराब डाल के पीता है? हर पमेरे हर पमेरे, गैया के दूध में शराब डाल के क्या मतलब, सतोगुनी चीज को तमोगुनी बना के पीता। कितना पाप का भागी, कितना गंदा है व्यक्ति, सतोगुनी को तमोगुनी बना के पीता है। गैया के दूध का प्रभाव कुछ और पड़ता, बीच में शराब डाल दी। अब गैया का दूध क्या करे, इसी तरह इन प्राणी पदार्थों को जो परमात्मा ने बनाए थे, हम अपनी वासना डाल के इनका प्रयोग करते हैं। काम डाल के, क्रोध डाल के, मोह डाल के, लोभ डाल के, अहंकार डाल के, जो शराब से ही बदतर है। शराब तो उसको 2-3 घंटे के लिए पागल बनाएगी और ये वासना हमें कई जन्मों तक पागल बनाएगी। एक जन्म नहीं, सो मेनी डेथ एंड बर्थ, सो मेनी ट्रांसमाइग्रेशन। सोचो ना, आप विचार करो, ये सुख और दुख जिसमें प्राय 99% ग्रस्त है या मुबतला है। क्यों, एक ही वस्तु, मैं बोलू क्या, भगवान बुलाए जा रहे हैं, बोल जाऊंगा। एक ही वस्तु, एक के लिए सुखकारी, दूसरे के लिए दुखकारी। अगर वस्तु सुखकारी सबके लिए क्यों नहीं सुखकारी, दिस मस्ट बी यूनिवर्सल। अगर एक वस्तु दुखकारी सबके लिए दुखकारी क्यों नहीं, इसका मतलब इंसान की सारी बात उसके प्रयोग पर, हाउ ही यूटिलाइजेस, वो कैसे यूटिलाइज करती है, कैसे उसका प्रयोग करती है। दूध अमृत है, पर अगर उसमें शराब डाल दी जाए, आएगा। अगर उसमें चाय की पत्तियां डाल दी जाए, रजोगुण, दूध तो वही है, पर हाउ टू यूज, हाउ टू यूटिलाइज। वाह वाह, अब यही आपके घर घर में चाहिए, टीवी है। हाँ, अब जो कि हमारी मूर्ख और नालायक और नर्क में जाने वाली गवर्नमेंट जो प्रोग्राम देती है आपको, जैसे आपने मुझे बतवाया, हाँ अब ये क्या, ये अत्यंत हानिकारक है। और उसी को जो सागर को भगवान खुश रखे, जो रामायण बनाई, श्री कृष्ण की जीवनी आपको दे रही है, अगर ये देखा जाए तो कितनी मौज। टीवी वही है, हाउ वी यूटिलाइज इट। बड़ी सुंदर रामायण, बड़ी अच्छी, एक रिकॉर्ड रख दिया है मिस्टर सागर ने, श्रीमान सागर ने बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रखा, बड़ी अच्छी रामायण दिखाई। अगर उसी को टीवी पर अगर हम रामायण देखती है, वाह, गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं देखते, क्योंकि सारा दूषिता है, वैशैला है, सारी गंदी वृत्तियां भरने वाला है। हम अपनी रामायण देखते हैं, उसके अंदर श्री कृष्ण की जीवनी आ रही है, 13 भाग आ चुके हैं, 14वां शायद आ गया होगा। वो देखती है तो गदगद होती है, प्रसन्न होती है, हमारे में सत्य गुण बढ़ता है, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है। टीवी तो वही है। हाँ लेकिन हाउ यू यूज, इसी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया, नथिंग इज गुड और बैड, नथिंग इज गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। दुनिया में कोई चीज भली नहीं, बुरी नहीं, आप पर है कि आप इसको कैसे लेते। या मेरे कहने पर ड्रामा पढ़ो, किसका, शेक्सपियर का, कौन सा, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। अगर पहले पढ़ोगे तो ठीक है, अब किसी बीए में एफएल पढ़े तो बड़े चीनी, तो फिर पढ़ो एज यू लाइक इट। अब तो हिंदी में अनुवाद हो गया अपनी राष्ट्रभाषा में, उसमें सावधि यही किया गया, ये चीज अच्छी है इफ यू लाइक इट,
ये चीज गंदी है इफ यू डोंट लाइक इट, बिल्कुल ठीक है एज यू लाइक इट, ये लड़की अच्छी है इफ यू लाइक इट, ये लड़की खराब है इफ यू डोंट लाइक, हर दुनिया कोई भी चीज, प्रकृति अच्छी है इफ यू लाइक इट, प्रकृति नहीं अच्छी गंदी है, क्यों? क्योंकि उसके मन में गम है, उसके लड़के का एक्सीडेंट हो चुका है, अब जिस चीज को देखेगी किसी और चीज से उसको, उसको चंद्रमा की किरणें भी चुभती हैं, किसको? जिसका मन दुखी है, जिसके अंतःकरण पर बुरी बीत रही है। तो हमने तो अपने मन से दूसरी चीज को देखना है ना, मन करके हम देखती हैं। आप व्यक्त को देखने वाला कौन, पढ़े लिखों से समझाइए मुझे, आप व्यक्त को कौन देखता है बोलिए, ये चीजें ऑब्जेक्ट है, इनको कौन देखेगा? ऑब्जेक्ट को हम कैसे देखेंगे? अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कैसी है? सब्जेक्ट के मुताबिक। अंग्रेजी में ग्रामर में नियम था, ऑब्जेक्ट कैसे है सब्जेक्ट होगा, हा कैसे? अगर सब्जेक्ट यू है तो आगे आर लगाऊंगा, यू आर गोइंग, अगर सब्जेक्ट शी है तो शी इज गोइंग। ऑब्जेक्ट तो वैसे होगा जैसे सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू के बाद यू आर ही आएगा, हा यू के बाद यू आर ही आएगा ना भाई, जैसा सब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट, तो सारी बात सब्जेक्ट पर है ना, हा अगर सब्जेक्ट ही शानदार बन जाए तो ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट हमारा माइंड है। ग्रामर का ये नियम बहुत कमाल का है, ऑब्जेक्ट जरा लिखिए दिल की पट्टी पर, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मानो 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 मेरी बेटी, मैं भी आजकल कपड़ा लिखा हूं, लेकिन आजकल की पढ़ाई को मैंने इधर भगवान की ओर लगा दिया है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? संसार, और सब्जेक्ट क्या है? भगवान। अर्थात अगर मैं अपने मन को पवित्र बना लूं तो मुझे ऑब्जेक्ट वैसे ही नजर आए, अगर मैं आई बन जाऊं तो आगे एम लगाना पड़ेगा, अगर मैं यू बन जाऊं तो यूर लगाना पड़ेगा, अगर मैं शी बन जाऊं तो आगे हर लगेगा, शी के बाद तो हर लगना चाहिए ना, दे के बाद तो आर आएगा, बहुवचन आएगा ना, हाँ ही के बाद तो इज आएगा ना, हाँ। ऑब्जेक्ट कैसे होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सृष्टि कैसी होगी? मेरे मन के अनुसार। तो मन कैसे होना चाहिए? भगवान के अनुसार, क्योंकि भगवान कहती है मन मेरा अंश है। वाह वाह, कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने, एक ही चीज को लिया, नदियों में गंगा में, वाह, विद्याओं में ब्रह्म विद्या में, वाह वाह, गिना ही गए, सिद्धों में कपल में, जानवरों में शेर में, गिद्धड़ नहीं का गिद्धड़ में हूं, जो उसकी सुप्रीम सुप्रीम है भगवान के नाते गए हैं, कि बाकी सारे मेरे में आ गए सब। मृगेंद्र कहा, मृगेंद्र में हूं अर्थात शेर में हूं, वाह, यानी जितनी उत्तम चीजें भगवान ने पकड़ ली, ये मेरा अपना रूप है, ये मैं ही हूं। अच्छा, तो अगर बैकग्राउंड में इस तरह देखा जाए तो मन निर्मल, फिर हम अब संसार को सही देख लेंगे, सही देखेंगे, हाँ हमारे विचार पवित्र होंगे, हाँ मन मजबूत बनता जाएगा। मजबूत का मतलब संसार जो कि भगवान ने बड़ा विचित्र बनाया, मजबूत भी सुन लो मेरे से, मन मजबूत बनता भी तब है जब भगवान जी के अनुसार संसार को देखा जाए, और भगवान जी के अनुसार देखने के लिए भगवान जी का ज्ञान चाहिए, भगवान जी का ज्ञान चाहिए। आप एक मशीनरी अपनी वर्कशॉप पे लगाना चाहती हैं, बेटी कोई आप मशीनरी लाया घर के अंदर, हाँ साथ उसका लिटरेचर भी मिलता है, एक बुकलेट होती है उसमें बताया गया इसको हैंडल कैसे करना है या मैनिपुलेट कैसे करना है, हाउ टू मैनिपुलेट दिस मशीनरी, हाउ टू इंस्टॉल दिस मशीनरी, तो एक लिटरेचर आएगा आपके पास, वो साथ उन्होंने दे रखा होता है, उसको पढ़ते जाओ और उसको देखते जाओ कि मैंने ऐसे इसे यूज करना है। अच्छा, हर एक कोई भी मशीनरी लो, लो या मिक्सी ले लो, मिक्सी आप घर में है, साथ उस लिटरेचर भी होता है, लंबा सा कागज दोनों तरफ छपा होता है, ऐसे खोल लिया करो, ऐसे खोल के ये कपड़ा लेके उसमें एक लकड़ी पतली फंसा के और इसके अंदर डाल डाल के यूं रगड़ लिया करो, और साथ पिक्चर बनी होती है कि जैसे ये आपकी जो है बड़ी बहन, स्पेयर पार्ट कौन देगा इसका, आपका कोई अंग खराब हो गया, खराब हो गया, परमात्मा की बनाएगी मशीनरी के स्पेयर पार्ट कोई नहीं, और इंसान की बनाएगी मशीनरी के स्पेयर पार्ट धक्के खाते हैं,
डुप्लीकेट ही बनने लगे हैं, ट्रिप्लीकेट ही बनने लगे हैं, वो मिल जाएंगे आपको, लेकिन भगवान की मशीन जी का स्पेयर पार्ट को नहीं मिलता। खराब हो गया खराब। अब दांत लगाई फिरो, आर्टिफिशियल दांत वो कुछ और है, असल में जो बात थी वो नकल में पाई नहीं। तो इतनी सुंदर मशीनरी तो भगवान ने कोई हमें लिटरेचर नहीं दिया, दिया कौन सा, ये गीता लिटरेचर ही तो है। हाउ टू यूज दिस फिजिकल बॉडी, हाउ टू यूज द माइंड एंड हाउ टू यूज द इंटेलेक्ट, गीता है क्या? भगवान की मशीनरी को यूज करने का तरीका। अब मैं किसको बताऊं, कहां बताऊं? जैसे हर मशीनरी की लिटरेचर होता है, तो गीता भगवान के तीनों शरीर का लिटरेचर है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। कारण मैंने हमारे संस्कार, सूक्ष्म हमारी मन बुद्धि और स्थूल हमारे जो नजर आ रहा है, इसका कैसे प्रयोग करें, लोग गीता ये सिखाती है। हाँ, गीता ये तरीका बताती है। और जो भगवान ने विधियां बताई हैं स्थूल शरीर के लिए, मन के लिए और बुद्धि के लिए, और सूक्ष्म शरीर स्थूल कारण शरीर के लिए, इसको ज्ञान कहते, एक शब्द में ज्ञान हो गया। एक शब्द में क्या हो गया, ज्ञान, तन का ज्ञान, मन का ज्ञान और अपने संस्कारों का ज्ञान। बस जिसे ये पता लग गया वो क्या होगा, वो संसार को बिल्कुल सही देख लेगा, और विचार उसके पवित्र होंगे, इरादे उसके पवित्र होंगे, कार्य उसके पवित्र होंगे, अंतःकरण निर्मल। बस इतना ही करना होता सत्संग में, गीता जी के सत्संग में आकर क्या करना है, जैसे अंतःकरण परमात्मा ने शुरू में बनाया था वैसा ही अब हमने यहां आके बना लेना। कोई नई चीज नहीं, मैल उतारनी है, इसको हटा देना है। कोई मशीनरी चलाई जाओ ना, हाँ तो मशीनरी के पुर्जे लग लग के रगड़ा रगड़ा खाती है, तो आटे की तरह चूरा बन जाता है, जो लोहे के साथ लोहा लगे तो चूरा बनता है, वो आटे से आटा। इधर आप ऑयलिंग करती हैं तो वो चूरे में तेल मिला, हाँ वो जमता गया पुर्जों के साथ, तो कभी वो दिन आएगा कि जाम हो जाएंगे। इसे अंग्रेजी बोलते हैं ड्रास, DROSS। ड्रास कहां से आया, इसी से पैदा हो गया, ड्रास तो आकाश से नहीं गिरा। तो हमारा ड्रास कहां से आया, हमारे अपने से ही पैदा हुआ, हाय रब्बा, अपने से पैदा हुआ। अब वो ड्रास अब पुर्जा नहीं, जाम हो गया, उसको नहीं चलता, तो हम उसे खोलेंगे और ऊपरी चीज लेकर रुई या अपना कपड़ा उस ड्रास को निकालेंगे। इस तरह अगर अंतःकरण गंदा हो गया तो ऊपर भगवान का ज्ञान लेकर के उसको निकाला जाएगा, और कोई तरीके ही कोई नहीं, और कोई बेटी चारा ही कोई नहीं, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। अब ये तो बताते ही नहीं, यही मेरे मन में शिकवा कि भगवान या तो हमारा ड्रास ना बनता अंतःकरण, अब ड्रास हो जाता है तो या फिर पता हो, इसके समझाने वाला मैकेनिक आजकल कहां है, गीता के मैकेनिक पूछो अपने भगवान से, आज गीता के चोटी के अपनाने वाले कौन है, कोई नहीं अपनाता भगवान की कसम। गीता एक चोटी का ज्ञान है, इसे समझना मुश्किल, इसे जीवन में ढालना मुश्किल, फिर जीवन में ढाल के आप जैसे को समझाना तो बहुत ही मुश्किल होता। वो भगवान दिन बदन जो इसके इंजीनियर है, गीता के इंजीनियर प्रचारक, वो दिन बदन कम होते जा रही, और भी कम और भी कम और भी कम, तो फिर कौन बताएगा शरीर के बारे में, मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, तो किसी शास्त्र में है ही नहीं। पेट मरो आप, अगर आपने कुछ शास्त्र पढ़ा ऐसा जिसमें सारा कोई वर्णन है तो मुझे बताइए, मैं आज ही रात को पढ़ना शुरू कर दूं, जिसमें शरीर के बारे में हो, मन के बारे में हो, बुद्धि के बारे में हो, संस्कारों के बारे में हो, परलोक के बारे में हो, और तरीके बताए गए हो इन सारों को साफ करके, इसकी चलाने वाली वो जो करंट है भगवान, उनमें तलीन हुआ जाए, वो तरीके कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। वाह वाह, ऐसे तो कोई दुनिया में शास्त्र नहीं जो ये सारी बातें हमारा घर पूरा कर डाले। वाह वाह, ये सब हमारे घर पूरा करे। जैसे मैं कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई प्रकट कर रहा हूं। ये नहीं कि मैं गीता का पैरोकार हूं तो मैं बढ़ा चढ़ा के बात करूं, लानत मुझे हजार बार, सच्चाई ये है, जिसे दी ट्रुथ, कि यही एक त्रिलोकी में शास्त्र है जो मैं हमारा घर पूरा कर देता है, या साधक का घर पूरा करेगा, या जो अपना कल्याण चाहता है कल्याण कामी का घर पूरा कर देगा। शाबाश। तो सज्जनों, ज्ञान कौन सा जो भगवान ने दिया, हाँ वो मिल गया तो मन मजबूत हो गया। मजबूत का मतलब फिर भी बताना चाहता हूं, मन हमारा दृढ़ हो गया, मन मजबूत हो गया, मन पावरफुल हो गया। पावरफुल का मतलब भगवान ने सृष्टि को द्वंद्व में बनाया, ना कल बताया था, ये सृष्टि द्वंद्वात्मिक है, दो 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 सारी चीजें हैं, दिन और रात, सुख और दुख, हानि और लाभ, मान और अपमान, संयोग और अयोग, जीवन और मरण, मान और अपमान,
हाँ सर्दी और गर्मी इत्यादि ये द्वंद्व हो गए बच्चे। हाँ वारी वारी करके आएंगे आएंगे, ये तो हम मैं कहो ये ना आए हमारी बेवकूफी, या तू कह के ये ना आए ना बीमारी भी आएगी, कोई मरे भी गया था, हाँ कोई अपमान भी करेगा हमें, किसी ने स्वार्थ नहीं पूरा करोगे अपमान करेगा आपका, हाँ उल्टी पुल्टी बातें आएंगी, ये सब होगा। जो आज आपका दोस्त है कल शायद दुश्मन बन जाए, कब जब ना स्वार्थ पूरा करोगे तो फिर आपके साथ वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे रिश्ते ही स्वार्थ के हैं। तो ये सारी जो हम नहीं चाहते अनप्लेजेंट, जो हम नहीं चाहते ये नाखुशगवार है, जो हम नहीं चाहते प्रतिकूलताएं है, जो हम नहीं चाहते गैर मुआफिक, मुआफिक और गैर मुआफिक, ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ होगा। हाँ उसका प्रभाव मन पे ना पड़े, इसको कहते हैं अगर दिल है मजबूत चिंता, इसके कहते हैं मेरा मन मजबूत हो गया, अर्थात ये तो घटनाएं घटेंगी पर मेरे मन पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओ भगवती इसको कहती नहीं वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं, खुशी से जो खुश हो न गम से गदी, सुन अर्जुन है कायम दिल उसका मदाम, उसी की अशाया हयाति दवाम, वो मेरे दर्शनों और मुक्ति के काबिल हो गया, जिन पे संसार की दुर्घटनाओं का असर ना पड़े। ये तो होगा, हम क्या भगवान के प्यारे बन के हम जाप भजन करते सत्संग करते हैं गीता के अनुयायी गए, हमारे पास ये नहीं आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, आएंगी क्यों, हमारे घर में कोई मरेगा हमें भी बीमारी लगेगी क्यों, फिर हमें नहीं लगनी चाहिए ना, हम भगवान के प्यारे हैं, भगवान के प्यारे तो है पर शरीर जो हमने लिया है हमारे 80% शुभ कर्म है, 20% हमारे बुरे कर्म, अगर हमने 100% शुभ कर्म किए होते तो मेरा और आपका जन्म ही ना होता, हम लोग भगवान की जात में एक में एक होते, कोई सूक्ष्म चीज उड़ के आपकी गर्भ में आती भी ना, मां की गर्भ में हम जाते भी ना, अगर मां की गर्भ में गया तो कोई अधूरी चीज लेके गया, आप कहीं भी जाते हैं तो कोई डिमांड लेके जाते हैं, या भी आया तो आप शुभ डिमांड लेके आए थे, कुछ आपका घर पूरा होता है तब आप तशरीफ लाते हैं, या भी अगर मेरी देवियां नारी चोले में आई बैठी है तो अपने घर के काम छोड़कर श्रीमान जी को हाथ जोड़ के पैर जोड़ के, कभी आप पैर जोड़ती हो कभी हाथ जोड़ती, जोड़ जुड़ा करके सब कुछ आई हो, कोई स्वार्थ पूरा होता है चाहे आपकी शुभ कामना है, तो कोई डिमांड लेके हम जाती हैं, तो हम मां के पेट में आए, मां बिचारी को दुख दिया, उसका जोबन खराब किया, उसको इतनी दर्दें दी, डॉक्टरों का मुथाज किया बिचारी को, होए और कभी कोई लाकड़ा था काकड़ा था, कभी कोई माई रानी निकली थी, कभी कोई माई रानी निकली और मां बिचारी गा गा के मर गई, तो मेरी माई दे दरबार तो कबूतर उड़ दे नहीं, कबूतर उड़ दे तो चोगा खा दे तो पीपी होए निहाल मेरी माई दे दरबार, वो बेचारी गा गा के मर गई, कभी कोई दारे निकले है, कभी कोई दारा निकला है, कभी स्मॉल पॉक्स निकला है, कभी बिग पॉक्स निकला है, इतनी मुश्किल मां बच्ची को ग्रोन अप करती है, इतनी मुश्किल, और आप कमाते कितनी मुश्किल से है, ये कहावत में कुछ ठीक है, क्या 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 सोने दी एट गल्ले तो नर दा बच्चा पल्ले, आज तो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कितना कमाना पड़ता है, बड़ी अच्छी कहावत, सोने दी एट गल्ले तो नर दा बच्चा पल्ले, कितना धन आपको कमाना पड़ेगा, उस एक लोथड़े को, लोथड़ा मुझे बोलने दो, मुझे लोथड़ा कहने दो, इस एक लोथड़े को पालने के लिए, लोथड़ा ये मास का लोथ जिसको आप बेटा समझी बैठेंगे, दी समझी बैठेंगे, कितना खर्चा होता है, ये सब अज्ञानता के कारण से। अब जब भगवान का मिल गया ज्ञान, मन मजबूत हो गया, अब ये घटना हमारी बला से घटती रहे असर कोई नहीं होगा, क्यों मन में विचार जो पैदा हो गए, मन नाम विचारों का, उसको इतने उच्च विचार मिल गए, हाई थिंकिंग, जो अनादि काल से हमारे व्यास जी गा रहे थे, क्या सादा जीवन उच्च विचार, हिंदुस्तान का ये व्यवहार सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जिसके उच्च विचार हो जाएंगे उसकी लिविंग भी सिंपल हो जाएगी, जब हमारे विचार निम्न स्तर के होते हैं तब हमारी जो है ना क्या हमारा व्यवहार गंदा मंदा हो जाता है ना, हम शोई बन जाती है, शोई हम शो करना चाहती है, अपनी एडवर्टाइजमेंट आप करना चाहती है, ओए मेरे रब्बा ओए मेरे रब्बा शाबाश शाबाश शाबाश, क्या एक व्यक्ति ना एक जगह खड़ा हुआ ना यू कर रहे थे, शाबाश पुत्रा शाबाश जिंदा रहा तेरी बड़ी उम्र हो जिंदा रहा पुत्रा, एक दो व्यक्ति गुजरे हंस के चल दिए, वो अपने आप पे लंबे हाथ करके शाबाश दे रहा था, एक दो खड़े हो गए, एक बात मिस्टर हम पूछना चाहते हैं कहिए,
वैसे आप नॉर्मल है कि अब नॉर्मल? ओए खबरदार, मतलब क्या मैं बेवकूफ हूं? नहीं बस मैं इसी तरह पूछा था, आप नॉर्मल है ना? क्वाइट नॉर्मल। आपने पूछा भैया आप मेंटल तो नहीं है? मैं मेंटल? मैं बिल्कुल मेंटल नहीं हूं सिस्टर। तो फिर ये लक्षण क्या कर रहा है? क्या अपने द्वारा अपने आप को शाबाश देता है? तो फिर क्या करूं, कोई तो मुझे शाबाश देता नहीं। बहुत अच्छी दलील लो। कोई तो मुझे बकअप करते ही नहीं, मेरी कोई बकअप नहीं करता। सारे मुझे घर में जाते हो कुत्ते कहते हैं, कुत्ता आगे, और बाहर निकलते हो तो कहते हैं कुछ और शब्द लगाती है। तो मैं अब क्या करूं, घर में कहूं तो कुत्ता कहते हैं, बाहर कहते हो खोतिया, जरा ठीक गुजरा कर। क्यों बात क्या है? तू कमाता नहीं? नहीं कमाया। तू पढ़ाई नहीं की? नहीं पढ़ाई की। फिर तू क्या करता रहता है? गंदे कर्म करता रहता हूँ गलियों मोहल्लों में। फिर तुझे खोता कुत्ता तो कहेंगे। फिर कोई भी मुझे नहीं शाबाश देता। मैं कहता तू जिंदा रहा शाबाश पुत्रा शाबाश। अगर इंसान अपनी तारीफ आप करता रहा, मैं बहुत पढ़ गया हूं, मैं बहुत कमाता हूं, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बड़ी सुंदर हूं, बड़ी अच्छी लगती हूं, अपने मुंह से आप कही जाओ। लेकिन ये सारी बातें तब अच्छी लगती हैं जब हमारे पर असर ना पड़े, हमारे पर प्रभाव ना पड़े। प्रभाव तो ज्ञानवान पे नहीं पड़ेगा, नादान पर तो बात बात पे प्रभाव पड़ेगा। अब मैं क्या समझाऊं, क्या लेक्चर दूं? भगवान कह रही है मेरा भक्त वो होता है जिसके लिए सुख दुख एक समान। अब सुख दुख की परिभाषा ही कोई नहीं, सुख दुख को मैं डिफाइन कैसे करूं? सुख क्या होता है जो हमारे में अनुकूल हो, दुख क्या होता है जो हमारे प्रतिकूल हो? अकॉर्डिंग टू आवर स्वीट विल, हाँ इट इज प्लेजर गिविंग। अकॉर्डिंग टू आवर अगेंस्ट आवर नेचर इट इज सॉरो गिविंग। अगेंस्ट आवर नेचर इट इज सॉरो गिविंग, और अकॉर्डिंग टू आवर नेचर इट इज प्लेजर गिविंग। हाय हाय, सुख दुख क्या है? हमारे मुताबिक हो जाए तो सुख है, हमारे मुताबिक ना हो तो दुख है। ये नालायक, ये कमली मां का कमला पुत्र कह रहे मेरी बड़ी बेकदरी हुई, थोड़ी बेकदरी हुई, मैं कभी नहीं जाऊंगा उसके घर में, आज मैं गया फिर कभी बेकदरी हुई है। दोस्त ने कहा राम तेरी बेकदरी कैसी हुई? वो तो ऐसे खानदान ही नहीं तेरी बेकदरी करने वाले। क्यों? क्या उन्होंने तुझे गया तो उन्होंने बिस्तर नहीं दिया? बिस्तर दिया। क्या रात को दूध नहीं दिया? दूध भी दिया। क्या तुझे खाना नहीं दिया? खाना भी दिया। फिर बेकदरी कैसी? क्या उनके घर वालों ने तुझे नमस्कार नहीं किया? नहीं, बारी बारी आए सारों ने कहा अंकल नमस्कार, ये वो सारा आदर दिया। फिर तू यार बेकदरी कहता क्या? उन्होंने सारी चीजें तो दी लेकिन रात को सोती बार शराब तो दी नहीं, घर फिटे मुंह तेरा, ये मेरी बेकदरी की। क्यों? उन्होंने मुझे शराब नहीं दी, गिलास नहीं भर के दिया, या पौआ रख देती अग्गे मेरी, तुम्हें कहते मेरी कदर की है। जरा देख लो देख लो देख लो अपने मन के मुताबिक, हालांकि कितना खराब करती है। गवर्नमेंट बिचारी मर गई है लाखों रुपए एडवर्टाइजमेंट करने पर किसी पर असर पड़ेगा है? हाँ, शराब का अंजाम देखो जरा, कार्डो पर आप छपा रही है, आपके ये जो आपके घर में कभी आया कि नहीं मनी ऑर्डर, इसके बैक साइड पे देखो क्या लिखा हुआ है, शराब का अंजाम मौत का पैगाम। हाँ कहे अंजाम नहीं परिणाम है। हाँ, शराब का अंजाम मौत का पैगाम। अर्थात जी शराब पी के आप मौत को बुला रही है, तो वो कहते मुझे रात दी नहीं, और एक किस्सा में रखू तो बड़ी बेची, आपने मेरे सामने शराब रखती, आप क्या समझते मुझे? तो दुनिया में तो चीजें सारी है, हाउ यू आपके मुताबिक, आपके मुताबिक कोई पिट के मर जाता है क्या? मेरी जाति नहीं होती, मंदिर में जा, देवी के पास जा, फलाने के पास जा, नाचते बन जा, मैं नहीं कहता सत्संग, मैं नहीं मंदिर में जाऊंगा, भगवान इतनी लड़कियां बनाते मेरे मेरे लिए कोई लड़की नहीं, पिट के मरता, रात को नींद भी नहीं आती शिकवे देते हुए, मेरी शादी नहीं होती, मेरा ये नहीं होता। अच्छा शायद आए बैठे होंगे जिनको ये शिकवा गए, उनकी शादी नहीं होती। अच्छा उनको बड़ा भारी शिकवा है, अब तो उनकी उम्र भी कोई 46-47 साल की हो गई, अब तो उनको फर्स्ट हैंड नहीं मिले, क्योंकि सेकंड हैंड मिल जाए तो आप ख्याल रखना उनका। हाँ दला मिट्टू से क्या एक ही शादी नहीं होती, तो बेचारे को बड़ा शिकवा है। अर्श हमारे मिनते कर रही है, पैरों में पड़ रही है, हाथ जोड़ रही है, कौन? पितामह जी के सामने, भीषम जी के सामने, आप मुझे ले लो अपने साथ ब्याह, लड़की हो के कह के मुझे ले लो अपने साथ ब्याह कर लो, और मुझे और कौन ले जाएगा? और वो अनादर समझती है। एक ही चीज है, हाउ यू टेक इट। सुख किसे कहती है? हमारे मुताबिक हो जाना सुख है, हमारे मुताबिक ना होना दुख है।
तो फिर तो हर एक के अपने अपने संस्कार हैं, हर एक के संस्कार अलग अलग हैं। हाँ, तो हर एक के मुताबिक रब कैसे करे? सुनो भाई मेरी बात, हर एक के अपने अपने संस्कार, अपने अपने विचार, अपनी अपनी आदत, तो रब सबके मुताबिक कैसे करे? इम्पॉसिबल। सारे को रब कभी पूछेगा आपसे सर्दी शुरू करूं कि नहीं? बिल्कुल ही पूछेगा। गर्मी कहे गर्मी शुरू करूं कि नहीं? नहीं। मैंने ओले डाल ले या काफी सारे डाल दूं, कोई भी नहीं मानेगा। मोटे मोटे ओले डाले मैंने, कभी नहीं। अब परमात्मा एक दिन पहले कहे, हाँ मैंने परसों रात के 12:15 बजे भुंचाल का झटका देना है, दे दूं? हाय मेरे रब्बा, कौन कहेगा भुंचाल का झटका? कोई भी नहीं कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा। हाँ परमात्मा ने नियम बना रखे हैं, हाँ परमात्मा ने पहले मुकर्रर कर रखे हैं। हाँ तो धन आदमी, आप जैसे होशियार, आप जैसी श्रद्धालु देवियां, आप जैसी भगवान पर विश्वास करने वाले, हाँ ये समझ जाती हैं कि भगवान ने ये सब कुछ पहले बना रखा है। सुनो मेरी बात, जो मेरे ऋषियों ने, मेरे गुरुदेव ने मुझे प्रेम पूर्वक दी, वो मेरे से ले लो। भगवान कभी नहीं किसी से पूछेगा, उन्होंने पहले बना रखा है, उन्हें पहले नियम बना रखे हैं, जो संसार में होना है वो उन्हें पहले बना रखा है। हाँ हमारे साथ जो होना है वो हमारी प्रारब्ध बना रखी है, हैं? हमारे साथ जो होना है वो हमारी प्रारब्ध बना रखी है, हमारे संस्कारों अनुसार। और दुनिया में जो होना है वो माया के अनुसार बना रखा है, पहले ही बना रखा है। अच्छा, इसलिए दाना आदमी, श्रद्धालु आदमी अपनी सब प्रकार की इच्छाएं भगवान के चरणों में सौंप दे। ध्यान से सुन लो, मैं बहुत लाभ उठा रहा हूं, यदि आप भी उठा सके तो, यदि मेरी कल्याणकामी माताएं मेरी अच्छी बेटियां उठा ले तो, अपनी सब जब हमारे मुताबिक होना ही नहीं, ए सुन सुन सुन, हमारे मुताबिक नहीं हो सकता। भगवान ने पहले नियम बनाए रखे हैं, प्रकृति के पहले नियम बने हुए हैं। तो दाना आदमी क्या करेगा, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो नेक रास्ता बता दीजिए, अपने आप को सौंप देगा, अपने आप को सरेंडर कर देगा। आपने नहीं देखा जब पाकिस्तान की फौजों से कुछ नहीं बना, उन्हें देखा आप पाकिस्तान की फौज भी हमारी मदद नहीं कर सकेगी, आप कहीं से हमारी मदद नहीं आएगी। हाँ तो फिर क्या किया उसने बंगाल में, क्या किया? अपने आप को सरेंडर कर दिया, मर्जी आपकी हिंदुस्तानी फौजों, हमें मार दो या हमें बख्श दो, हम तो सरेंडर करते हैं। जब कोई वस नहीं चलता तब सरेंडर होता, याद है आपको कि नहीं? ये घटना याद नहीं, वो याद है हैदराबाद की, हैदराबाद के उस नवाब ने क्या किया था, निजाम ने सरेंडर कर दिया, वरना पाकिस्तान ने कहा था मैं तेरी मदद करूंगा, ये कि इनको आने तक कच्चा खा जाऊंगा इनको, नहीं उसका वक्त चला, हिंदुस्तान ने पहले उनका नाकाबंदी कर दी। तो निजाम जो इतनी बकवास करता था, धोती वाली गवर्नमेंट, तो लांग वाली गवर्नमेंट और गंदे गंदे शब्द, उसी को जकड़ के पकड़ के दिल्ली में टिकट लगा के एक एक को दिखाया कि यही निजाम था जो बकवास किया करता था। क्यों निजाम जी आप थे? अल्लाह की कसम था तो मैं ही, कैसी भी शर्मी से कह रहा था, निडर होकर मैं ही था, अब जो मर्जी थूक लो मुझे, डंडे मार लो। हाँ जब वस्ती चले सरेंडर, इसी तरह दाना वो तो वस्ती चला बेवकूफों का, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने सरेंडर कर दिया, लेकिन एक भगत दाना बन के देखता कि सब कुछ तो मालिक ने अपने अनुसार करना है, भगत अपने आप को सरेंडर कर देता है। इस सरेंडर करने को भक्ति बोलती है, इसे उपासना कहती है, इसे शुद्ध और दिव्य प्रेम कहती है। भगवान ने इसका नाम भक्ति रखा है, दानव ने इसका नाम रियाजत यानी तप रखा है। अपने आप को दे देना, अपने आप को सौंप देना, शाबाश। आपकी शादी हुई, आपने अपने आप को दहेज समय सौंप दिया, दे दिया किसको? पति देव को, बिल्कुल सच्चे दिल से दे दिया, उसने भी तेरी कितनी सेवा की, धन से की, तन से की। हाँ बीमार तो हुई तो अस्पतालों में जाकर के उस बिचारे ने की, सारी रात तेरे पास जागता रहा, जब तूने आए की तो उसने कहा, उसे लिया, क्या क्या हो रहा है तुझे, बता ना, मेरा मन घट रहा है, तुझे क्या हो गया, दर्द हो रही है, मैं भी बुला के लाता हूं, मैं भी डॉक्टर साहब को बुलाता हूं, चाहे कुछ भी क्यों हो जाए, तेरी हाय नहीं बर्दाश्त कर सका, सारी रात जागता रहा, हाँ सब कुछ करता रहा तेरे लिए, तेने क्या किया, अपने आप को सौंप दिया। उसके बाद सब प्रबंध श्रीमान जी ने किया, और परमात्मा की कसम है मेरी बात सच मानना,
जो सही रूप में अपने आप को सौंप देता है, भगवान सब कुछ उसे दे देता है। भगवान के पास सबसे पहले देने की योग क्या है? भगवान अगर हमने सौंप दिया सत्य दे देते मन मचल कर, भगवान के पास सबसे पहले देने की योग क्या है? ज्ञान। चूंकि भगवान ज्ञान स्वरूप है, एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, सबसे पहले वो ज्ञान देंगे। ओए मेरी दाता, ओए मेरी दाता। अच्छा जहां ज्ञान आएगा मुझे बता सकता है कोई नंबर दो में भगवान क्या देंगे या क्या देती है? के बाद ये ना कह रहे शांति के बाद ज्ञान, अरे 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 पहले ज्ञान। ज्ञान बर्तन है, शांति पदार्थ है। ज्ञान कंटेनर और शांति कंटेंट्स। पढ़े लिखे हुए आज तो शब्द जान बुझ के बोलता हूं, आपके जल्दी पिकअप कर ले। ज्ञान पात्र और शांति पदार्थ। आपके बर्तन होगा तो दूध रखोगे ना, हाँ। भगवान सबसे पहले ज्ञान का पात्र देती है, उसके बाद शांति का दूध उसमें आ जाता है। पहले वो भगवान ज्ञान देते हैं, उसके बाद शांति, उसके बाद क्या चाहिए? सब कुछ आ गया आपके पास, सब कुछ आ गया। जहां ज्ञान और शांति है वहां भगवान की श्रीमती लक्ष्मी आपकी मां बन के आपको गोद में ले लेती है। और उधर संजय नाचता है, जा है कृष्ण कामरानिया सात बारिया सब कुछ भैया। गीता जी के 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण, आए बड़ा प्यारा फरमान। फरमान नहीं बल्कि क्या है? भगवान का संजय का ऐलान नहीं, ऐलान भी नहीं, फरमान भी नहीं, सिद्धांत है। ये सिद्धांत है, जी हाँ, ये अटल नियम है परमात्मा का। जहां है कृष्ण वहां सब कुछ हो गया, सब कुछ वहीं देखेंगे, सब कुछ वहीं। ये पक्की निशानी है अपने को देखने के। अगर मैं पूर्ण भगवान का बन रहा हूं तो भगवान ज्ञान भी दे देंगे, शांति, बाकी भी सब कुछ आपके हवाले कर देंगे। जैसे आपने अपने आप को एक पुरुष को पति मान के सब कुछ दे दिया, जो इतना हजारों लाखों का दहेज है वो भी दे दिया, बैंक बैलेंस भी दे दिया, अपना शरीर भी दे दिया, वो भी तो मरते दम तक कुर्बानी करेगा तेरे लिए, मरते दम तक। आखिरी सांस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया था, आपकी सेवा कर रही थी, आखिर में क्या बोला कुशल्या? आखिर में पतिदेव बोलते हुए चुप कर गए थे, आंखें उनकी पलट गई, क्या बोला? बाबा यही कह के शरीर छोड़ गए, मुझे और कोई चिंता नहीं, कुशल्या तेरा क्या बनेगा। हाय भाई ये शब्द मुझे खाती है, मुझे नींद नहीं आती, मुझे चैन नहीं पड़ती, जहां मैंने उनको जलाया है वही बार बार भाग के जाती हूँ। वो मुझे ये कह के तेरा क्या बनेगा, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं, मैं तो जा ही रहा हूं, पर तेरा क्या बनेगा। ये आखिरी दम तभी तुझे याद करके गया। इस तरह जब पूर्ण कोई सच्चे मन से अपने आप को भगवान को सौंप देता है तो ये भगवान क्यों ना, अगर एक का पति शरीर के प्यार में कह सकता है तो क्या आपके सच्चे प्यार को देख के राम नहीं कह सकता कभी मैं उसे हाय मेरा हाय, कभी मैं उसे। वो तो छोड़ के चला गया लक्ष्मण, लक्ष्मण छोड़ के चला गया, लेकिन ये मेरी श्याम सुंदर तो छोड़ के नहीं जाते, ये तो एक में कर लेती, ये तो एक में। हाँ कितनी कदर करती है भगवान। अब आपके लिए क्या सुख रहा क्या दुख रहा, बड़ा अजीब विषय है जो मेरे भगवान कह रहे मेरे भक्तों के लिए, सुख दुख बराबर, सुख दुख रहा ही कोई नहीं, महसूस करो तब सुख है ना, महसूस करो तब दुख है। अगर आपका सतोगुण बड़ा हुआ है तो ये भगवान की बातें सुनकर आपको बड़ा बड़ी खुशी मिल रही है, और अगर कोई रजोगुणी है, ऐ बाबा पता नहीं रोज की बकवास करता रहता है, वो मेरी बकवास समझेंगे। जो आप गुजरने वाले हैं, ऐ बाबा पता नहीं बकवास करता है, रोज ही बकवास करता है, और ऐ सुन के बिंदी पत्नी कौन बैठी, उनके लिए बकवास, आपके लिए भगवान का ज्ञान। क्या है ये ज्ञान? हमें पहले मिल जाता हम अपनी बुद्धि को विकसित कर लेते। एक ही बात मेरे बच्चे देख लीजिएगा, एक ही ज्ञान के बाद फिर हम महसूस ही नहीं करते, जो मर्जी होता रहे, जो ठीक है अपने आप को सौंप दिया, फिर जो मर्जी होता रहे हो जाए। जो कल भी मैं यही कह रहा था, आज फिर प्रसंग बदल, हमारे इष्टे भी चला रहे हैं क्या सुख रहा, जब जो हो जाए हमने सिर झुका देना है। सुख तो तब है जब उसको अपने मुताबिक समझा जाए, ध्यान देना, अगर अपने मुताबिक समझते हो तो आपके भगवान के चरणों में सौंपने में कसर है, और अगर अपने मुताबिक नहीं समझते तो आपको सौंपने में कसर है। ये क्या घटना घट गट गई, अरे तो
तुझे कहने का हक क्या? ये तूने क्या अपने आप को सौंप नहीं दिया? सौंप दिया जाने कन्हैया, यूं करे या यूं करे। फिर तो आपके मुंह से ये निकलना चाहिए, राधी यहां उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यो भी वाह वाह है, और वो भी सुख दुख अपना सिर सड़ा के समुन्द्र में चले गए, ना सुख रहा ना दुख रहा है। जी हाँ, सिर सड़ा गए। जब ये पाठ गुरु ने पक्का करवा दिया, राजिया उसी में जिसमें तेरी रजा है, पूरा बोलू स्वामी जी के अनमोल शब्द है। हाँ पूरा बोलू मेरे बेटे, सुनो पूरा फरमान जो भक्तों का होता है। क्या है, क्या खसब की अवस्था बन जाती है उनकी। जीता रखे तू हमको प्रभु, चाहे जिंदगी रख ले ले। जीता रखे तू हमको या धड़ से सर उतारे, अब तो फकीरिया कहता गयूं पुकारे। मर्जी तेरी, जैसे मर्जी रख ले, जिंदगी रख या मौत भेज दे। जीता रखे तू हमको या धर से सर उतारे, अब तो फकीर आशक कहता गयूं पुकारे। राजी गगम उसी में जिसमें तेरी रजा गए, या यो विवाह गए और वो विवाह। कहा रहा सुख, कहा रहा दुख। इस चोटी की अवस्था में हमारे प्रभु, हमारे जिंदगी के गाइड फ्रेंड और बेस्ट फिलोसफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा कह रहे गए, मेरे भगत के लिए दुख सुख एक समान। इस अवस्था में अगर आप बना लेते, अपना मूली कुतरा करवा दिया, अपना कद्दू कस करके खुद ही रहता बना के अपने आप को खा लिया, हाय वो रहता बनता दूसरों के लिए। भगत अपना रहता आप बनाता, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, जो तेरी इच्छा वही मेरी इच्छा। वैसे एक पतिव्रता की होती है, जो श्रीमान जी ने कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं मैं ये पहनूं, मेरी कोई इच्छा नहीं मैंने ये सब्जी बनानी, मेरी कोई इच्छा नहीं कि मैंने परौंठे बनाने गए, मेरी कोई इच्छा नहीं कि मैंने गोल परौंठे बनाने हैं या तिकोने परौंठे। श्रीमान जी को तिकोने परौंठे अच्छे लगते थे, तिकोने बेटे त्रिकोण, वो त्रिकोण उनकी इच्छा है, वो कहते हैं त्रिकोण बना देकर ये मुझे जल्दी हजम हो जाता है। ये तो मन की बात ही है, गोल नहीं हजम होता, गोल में कोई बैठे हुए है मेंढक और तिकोने में बैठी हुई कोई और चीज, पर ये मन की बात, उदो मन माने की बात, जैसे मन चाहता है कर लो। वरना मेरे सजनों, आखिर में कहना चाहता हूं और अपना फर्ज पूरा हुआ समझ रहा हूं, अगर हम अपने आप को नहीं सौंपते पूरा रुपये, तो इस विचित्र एवं विलक्षण संसार में कैसे सुख पाओगे। मन से कह लेना, कोई और तरीका नहीं सुख पाने का, जिंदगी के चार दिन आराम से काटने का। मैंने तो बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, और कोई तरीका नहीं कि हम चार दिन सुख से काट लें, चार दिन आराम से काट के चले जाए इस जाने पानी से, कोई और उपाय कोई नहीं। आहो मन कहलाया है ओ मेरे मनुआ, कहा करो जब तक रात को नींद ना आए। मांग के लाया है भगवान से तू दो दिन, हंस के गुजार दे या रो के गुजार दे। मांग के लाए हम दो दिन भगवान से, अब लियाकत किस में है, हंस के गुजार दे या रो के गुजार। हम तो हंस के गुजारना चाहते हैं, फिर हंस के तब गुजारेंगे जब भगवान के बन जाए। तेरी जिंदगी शानदार कटेगी अगर श्रीमान जी की बन जाओ, या शादी न करवाती, किसी पुरुष को पति रूप में ना देखती। हा दिल किया कि शादी कराऊं, फिर अपने आप को खत्म कर दे, अपने आप मिटा दे, अपनी इच्छा ना रख। भगत का यही यही आंतरिक दशा होती है, क्या अपने आप को मिटा देता, मैं तेरा ओ मेरे मालिका पूर्ण रूपे में तेरा। वरना इस विचित्र संसार में जहां बात बात में तब्दीली आती है, और रब्बा तेरे पे शिकवे मेरे नहीं जाते, मैं क्या करूं। बात बात में तब्दीली, इस संसार के पग पग पे तब्दीली, अभी सेहत अभी बीमारी, अभी घर में खुशी अभी मरना हो गया, अभी बच्चा मां को कह के गया ये छावनी की दुर्घटना। कस्तूरी लाल जी सवेरे आते हैं, उनसे पूछना पर ना पूछना रो पड़ेंगे।
जरा देखना उनकी लड़की का लड़के का दुर्घटना। कसोईलाल जी सब्जी वाले, हाँ क्या माँ गए नया स्कूटर लिया और माँ बना रही रोटी, बच्चे रोटी खा लेता, बस मैं अभी आया, बस घर से बाहर निकला आगे ट्रक आ रहा था, खत्म। रोटी इंतजार करी, स्कूटर भी गया, आप भी गया। ये बड़ा विचित्र संसार है बेटी मेरी, बड़ा विचित्र संसार। लड़की को इतना दहेज दिया आपने और सोना अपना इतना गिरवी रख करके 1,00,000 रुपए आपने लिया, वो भी लड़की को दे, और भी बहुत चीजें दे, लड़की एक ही रात नहीं जिंदा रही, रात को ऐसा पेट में दर्द पड़ा सवेरे मौत। हर अब्बा आपके पास टेलीफोन, बाप मानते भी नहीं, ये नहीं होता था, किसने बकवास की है, ये नहीं सकता। फिर बाद में फिर टेलीफोन आया, बाद में 2 टेलीग्राम आ गई, लड़की खत्म। इतना दहेज ले करके और अगला दिन ही नहीं देखा लड़की ने, रात में खत्म। हाय, इस विचित्र ध्यान में कैसे रहेंगे, कभी पतझड़ हो रही है, कभी मौसम बाहर आ रही, कभी हमारे अनुकूल हो रहा है, कभी प्रतिकूल हो रहा है, कभी आज जो मुझे प्यार दे रहा है कल वो तकरार दे रहा है, आज जो मेरा मित्र है कल मेरा वैरी बन गया, कल जो मेरा वैरी बन गया वो अपनी बहन मुझे दे रहा। हाय मेरे रब्बा, ओए ये कैसे संसार है, आज जो हमारे पर कुर्बानी करती है कल हमारे जो है सिरवट गुलाम बन जाती है। इस संसार में आज तेरी बड़ी अच्छी सहेली है और कल देखो तुम्हें किस नजर से देखती है, कमाल कमाल कमाल। और तेने इतने शौक से लाड से प्यार से अपनी सहेली को अपनी भाभी बना लिया, हाँ आपने घर में ले आई, भाई के साथ ब्याह कर दिया, हाँ आज हुई तुम्हारे सर के खिलाफ, आप रोकती हो, तू तो मेरी सहेली है, तू तो मेरी क्लास फेल हुए, हम इकट्ठा गाया करते थे, इकट्ठा सोते थे, इकट्ठा ही दुख दुख, तू मेरे दुश्मन बन गए। अपनी सहेली अपनी क्लास फेल हो, अपना दुख सुख बराबर, आज देखो क्या हो गया, अपनी बहन को तो आप ले गई, क्या बनाया, देरानी बनाया, अपनी सगी बहन को आप बाबा मैं ही ले गई और आज देख ले वही आपके साथ वैर कमा रही है, है? हाँ क्या वैर कमाया, बाबा शर्म आती है कहते हुए मेरे पति को ही छीन लिया सगी बहन ने, मानोगे ये बात, ये मानने वाली बात है, ये ऐसा युग आ गया भगवान बर्दाश्त कर रहा है, सगी बहन का पति छीन लिया जबकि अपना पति है, ये कल युग है, कैसे फिर अपने मन को समझाओ रात को, कैसे सुख से रहेगा, जब बात बात में कोई पता नहीं भगवान जाने आगे क्या होने वाला। कबीर जी मेरे को ठीक कह गए, राम सी मेरे ले सुकृत कर ले, जितना वक्त चल दे जल्दी कर, भगवान का नाम ले ले, भले भले कर्म कर ले, राम सी मेरे ले सुकृत कर ले, को जाने कल की रे, को जाने कल की खबर नहीं, या जग में पल की खबर नहीं, या जग में पल की, पता ही कोई नहीं, पता ही नहीं। उस दिन में आ रहा था, एक गीत चल रहा था आपका, रोमांच कर दिया इस गीत ने, आह न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर अमानत की खुशी लुटा के जियो, न मुंह छिपा के जियो, न सर छुपा झुका के जियो, रब कैसे अपनाए, वो तू ही हमारी मदद करो कृष्ण, न सर झुका के जियो। मां पूछ तो मैं समझा रही है, गीता तो मैं समझा रही है, गीता कृष्ण भी मुस्कुरा रहे गए, न सर झुका के जियो, न मुंह छिपा के जियो, ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ओ न सर झुका के जियो, न मुंह छिपा के जियो, ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। बट हाउ ऐसी दुर्घटनाएं घटी, हम मुस्कुरा के जिए, हम तो चाहती है लेकिन कैसे, ऐसी भी चित्त दुनिया में जहां बात की बात में कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी माँ जी कुछ हो रहा है, कभी माँ ठीक है तो पिता ही कुछ हो गया, कभी पिता ठीक था बहन कुछ हो गया, कभी जो ब्याह गई है बहन उसकी कुछ टेलीग्राम आ गई, भैया को लेकर मेरी टेलीग्राम लेते ही वापस आओ,
जल्दी आना अगर तू मेरा भाई है तो। हाय कभी कुछ कभी छोटे भाई का कुछ हो रहा है, कभी कोई और बात बन रही है, इस संसार में खुशी खुशी से कैसे दिन काटोगे? सोचो अपने आप पर विचार किया करो, सोचा करो। हम तो गहराइयों में उतर के बच्चों की तरह रो रो के रो पड़े, भगवान तेरे सिवा कोई चारा नहीं। भगवान ने दुनिया ही ऐसी बनाई है बेटे, ये दुनिया ही ऐसी है, एक जैसे नहीं रहनी। एक दिन में कितने हालात बदलते हैं, एक दिन में सूर्य उदय से अस्त को बोलते दिन कितने हालात बदलती हैं। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है, सदा जो रंग बदलती गए, इस नहीं भूलना मेरी देवियों, सदा जो रंग बदलती गए, इसी का नाम दुनिया है। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है, इसी का नाम दुनिया है। तभी तो अनुभवियों ने, महापुरुषों ने, भर्तरी हरि जैसों ने, हाय गोपी चंद जैसों ने, विवेकानंद गुरुदेव महाराज जी जैसों ने, हाय हाय इन चोटी के महात्मा बुद्ध जैसों ने अमली रूप में प्रैक्टिकल रूप में इस दुनिया की यथार्थता को देखकर, इसकी बात ही बात में तब्दीली को देखकर हमें शिक्षा दे दी, इस दुनिया से मन उठा लिया कि नहीं ये विश्वास के काबिल नहीं, या भगवान के अनुसार रहा जाए, पूरा रुपये अपने आप को सौंप के, हाँ वरना खुशी से कैसे जियोगे? पूछो अपने आप से, पूछो मेरी देवी। जब बात बात में हालात बदले, वाकयात बदले, ख्यालात बदले, बात बात भी घर के हालात, अपने हालात, शरीर के हालात, गली के हालात, मोहल्ले के हालात, बहनों के हालात, अपने पिताजी के हालात, अपने ब्याह भाई भाई के हालात, भाई दुश्मन, बहन दुश्मन, ओए 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 ओए, अपने मित्र यार दुश्मन, जिन हाथों से प्यार लिया उन्हीं हाथों से तकरार, जहाँ प्यार है वह तकरार, जहाँ तकरार है वह प्यार। पूछो अपने भगवान से कैसे खुशी से दिन काटूं, कैसे आराम से अपनी जिंदगी के दिन गुजारूं। मैंने कह दिया पहले भगवान का ज्ञान मिले फिर शांति मिले। पहले मिलता है ज्ञान बुद्धि में, उसके प्रतिक्रिया रूप में शांति, वरना तो इंसान के खुशी से काटना तो नामुमकिन है। बेटियों में स्पष्ट कह रहा हूं, मुझे क्षमा करें मेरे भगवान जी और आप सब क्षमा करें। अगर हम भगवान के पूरे रुपए नहीं बनते, पूरा रुपए मन को समझा दो, हमने किसी अंग को नहीं समझाना, अपने मन को समझाना है कि पूरे रुपए अगर भगवान के बन जाती है फिर तो भगवान हमें बहुत कुछ दे देती है, बहुत कुछ। जैसे आप बन गए किसी की, सब कुछ मिल गया आपको। अगर हम मानसिक रूप में अपने भगवान के अंतर्यामी के बन जाए फिर तो बहुत कुछ मिल जाता है, ज्ञान और शांति, नहीं तो फिर खुशी से दिन नहीं काट सकते। बेचैनी से कटेंगे, बेकरारी से कटेंगे, हाँ हलचल से कटेंगे, शिकवे गिले शिकायत करके कटेंगे, हर एक झुंझलाएंगे, क्या माँ है, पिताजी है, बहन है, भाई है, पत्नी है, या अपने आप में गए। आज तो इंसान किसी से नहीं झुंझला रहा, क्या अपने आप से झुंझला के अपनी आत्महत्या कर रहा, अपनी से झुंझला रही है नारी। नारी की संख्या बढ़ती जा रही है आत्महत्याओं की, नर की कम है, क्यों? जीने का ढंग ही नहीं आ रहा, हमें पता ही नहीं लग रहा। भगवान जी के अनुसार जीना चाहिए, उस अनुसार हम जी नहीं रहे, हम तो मनमानी कर रहे हैं। मनमानी का परिणाम परेशानी है बाबा, मनमानी का परिणाम परेशानी, और भगवान मानी का परिणाम, भगवान मानी का परेशान, शांति आराम चैन करार आप देख रहे हैं। पूछो अपने मन से, मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, पूछो अपने मन से, क्या भगवान से दो दिन मांग के लाया शांति से कैसे काटेगा? जाना तो है हमने, जान से जाना है, कैसी शांति से काटे, कैसी आराम, हम रोक के नहीं गुजारना चाहते, हम छाती पिट पिट के नहीं गुजारना चाहते, हम आराम से काटे, पीसफुली कामली एंड क्वाइटली, कैसे? पूछो, कहीं से मीठी मीठी आवाज आएगी तो जहां चाह मारा, जहां डिमांड वहां सप्लाई। जब आप ये बार बार पूछेंगे, अंदर वाला बोलेगा, अंदर वाला कौन, और कौन सकता भगवान के सिवा, अंदर वाला बोलेगा, बोलेगा क्या बोलेगा बाबा? अगर तूने सुना तो बता दे, बता देता हूं जरूर, आया किस लिए? ना कुछ हंस के सीखेगा, ना रो के सीखेगा, अगर कुछ भी सीखेगा प्रभु का हो के सीखेगा। कुछ भी हमने सीखा महाराज जी के होके सीखेंगे, अपने भगवान के होके सीखेंगे।
ना हंस के सीखेंगे, ना रो के सीखेंगे, जो कुछ भी सीखेंगे प्रभु के हो के सीखेंगे। और कोई तरीका नहीं जे दो दिन आराम से काटने के। भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे भगत उनके भगत है जो पूर्ण प्रेम सौंप चुके हैं, वो क्या है, सुख दुख एक समान। वो मानते ही नहीं किसी घटना को सुखदायी नहीं मानते, सुनो मेरी बात, किसी घटना को दुखदायी नहीं मानते। क्यों, जिसने मानना था वो भगवान के रंग में रंगा जा चुका। मानना किसने था, मन ने, तो मन तो भगवान का बन चुका है, मन तो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का सारा कुछ किए बैठा है। वो जिसने मानना था वो तो भगवान का हुआ बैठा है। हाँ पिताजी, ए मेरे बुजुर्गवार, आप मेरी सुनो। हाँ आपने वार ढूंढ लिया ना लड़की के लिए। हाँ छोड़ो परे, ना क्रोध करो, वो तो पहले ही मंगनी की थी, किए बैठी है, पहले ही चुने बैठी है, तो आप वार ढूंढ के क्या करोगे, ये मुझे गवारा नहीं, गवारा खोना पड़ेगा, छोड़ो परे। तो सुख दो का के धक्के दे, मन तो किसी का हुए बैठा है। जैसे लड़की चुने बैठी है वर को, स्वयंवर की, इसे बोलते हैं स्वयंवर, स्वयंवर किए बैठी है, इस तरह मन भी स्वयंवर अपने भगवान का किए बैठा है। सुख की घटना क्या करे और दुख की घटना क्या सिर चढ़ाए। माइंड ऑलरेडी एंगेज्ड, इट कैन नेवर बी री एंगेज्ड। जब तुम पहले ही चुने बैठी हो फिर तुम दोबारा थोड़ी किसी की मंगनी करवाओगी, बिल्कुल नहीं। मन पहले जब अपनी लियाकत से या पूर्व के शुभ संस्कारों से भगवान का बने बैठे, फिर सुख भी शर्मिंदा और दुख भी शर्मिंदा, ये दोनों ही चले जाती है। फिर वहां ना सुख ना दुख, फिर मौज बहार है। फिर हर रोज दिवाली गए, हर रोज दशहरा है, हर रोज दिवाली गए, हर रोज दशहरा है। भगवान करे ये अवस्था आप सबकी बने और मैं निहारा करूं, सब मेरी देवियों की बन जाए और मैं देख देख के गद गद हो जाऊं। चार दिन यही मन में पक्का करो कि मैंने सुख से काटनी है, मैंने आराम से काटने, मैंने रोग नहीं काटने, मैंने बेचैनी से नहीं काटने, मैंने बेकरारी से नहीं काटने। बिशक एक दिन का जीवन हो पर सुख से काटे, भगवान के बन के, भगवान के ज्ञान को लेकर के। रब ने मुझे इसलिए आपके लिए भेजा है कि इनको मेरा ज्ञान समझाओ, इनको मेरा ज्ञान बताओ, और ज्ञान को हृदय में बसाने का ढंग बताओ। ज्ञान को अंतर्गत, मैंने ज्ञान मैंने सुना दिया, आपने समझ लिया, कुछ भी नहीं, फिर ये मतलब ही कुछ नहीं होगा अगर वो आपके हृदय में ना बिठाऊं, इनको हृदय में बिठाऊं। देखो ना, आप शिकवा करने के लिए अपने फादर ला के पास आए, पिताजी 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 क्या आपने मेरी शादी कर दी है, कर तो दी, मैंने अपनी लड़की दे दी। पिताजी क्या दे दी, वो मेरे पास तो बस्ती नहीं, मेरे पास तो रहती नहीं, मेरे पास रहे तब तो लड़की दी ना आपने, कोई तरीका बता दो मेरे पास रहे। तो भगवान आपसे पूछे, क्यों जी आपको ज्ञान दे दिया मेरे प्यारे ने, हाँ प्रभु दे दिया, समझा दिया, हाँ झूठ। आप कहते नहीं प्रभु उन्होंने बता दिया समझा दिया, गलत। क्या ज्ञान तेरे अंतकड़ में बस गया, नहीं बस है तो कोई नहीं, फिर शर्मिंदगी मुझे भी और शर्मिंदगी आपको भी। उस पिता को शर्मिंदगी होगी क्या जिसकी लड़की ससुराल में नहीं बसती, ससुराल में नहीं रहती, मेरे जैसे को और हम दोनों को शर्मिंदगी होगी रब के सामने अगर दिया हुआ ज्ञान आप में ना बसे। बात तो तब है ना, सुना हुआ तब कामयाब है जब आप वो ज्ञान आपके अंतःकरण में आ जाए। आहो फिर ये कब आए, जब भगवान की असलियत को जान ले। बस मुझे तो अब ये याद आ रहा है जो मेरे भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, मैं तो आखिर में ये झोली में डाल रहा हूं। क्या बड़ा अच्छा मेरे भगवान ने कहा, भगवान हम दोनों की यही अवस्था बनाए कि हम बहुत सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, अभी भी सुनोगे जब तक मेरे सांस है, हाँ विचार भी करोगे, पर आखिर में निर्णय ये निकले। और देवी मैं दोनों हाथ उठा के कह रहा हूं, निर्णय पर ये निकलना चाहिए, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत समझ बाखबर गए वही। ओए हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। जय जगदीश, जय हरे स्वामी, जय
संत सुखिन सदे संतो निरामया सदे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चि दुर्भावने हरिओं शांति 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 ओम कवो इसने भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफर करना इसने हार्दिक धन्यवाद।